नमस्कार, मैं मिथुन यादव, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत है। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीजीपीएससी का सीसेट का जो पेपर हुआ 12 फरवरी को जो पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें मैथ्स के सेक्शन के बारे में बात करेंगे। मैथमेटिक्स में टोटल 33 क्वेश्चन पूछा था, ये हम जानते हैं। वो 33 क्वेश्चन को किन किन चैप्टर से पूछा था, किस चैप्टर की क्या वेटेज रही है, पेपर का लेवल क्या था, इन सभी मुद्दों पर एक बार डिटेल चर्चा करेंगे। इसलिए कि इसमें से बहुत सारे फ्रेशर होंगे जो अभी स्टार्ट जस्ट प्रिपरेशन किए होंगे, उसको काफ़ी हेल्प मिलेगा अपनी स्ट्रेटजी को बनाने में अगले साल जब वो प्रिपरेशन करेंगे सीपीएससी का पेपर देंगे तो। और जो बच्चे पेपर इस बार दे रहे थे, अच्छी बात आई, देख लेते हैं कैलकुलेशन जो पेपर में था वो किस सेक्शन में था और उस कैलकुलेशन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, भी अपने आप एक सवाल है। ठीक है भाई, चलो देख लेते फटाफट से। अच्छा, क्वेश्चन हम टाइप करवा दिए, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को हम टाइप करवा लिए, क्योंकि उसको स्कैन करने से बहुत क्लियर इमेज नहीं बन पा रहा था। ठीक है, डीआई के खास करके। आइए हम बात करते हैं जो हमसे है ना, सबसे पहले देखो पेपर की बात करें, डीआई से टोटल 10 क्वेश्चन देखा था, 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर टोटल डीआई से मैंने यूट्यूब पर 17वां 18वां जो लास्ट के दो लेक्चर लिए थे, अगर जिन जिन बच्चे ने देखा होगा वो डीआई के 10 के 10 बनाएंगे, एक सवाल गलत था डीआई का। अब डीआई का लेवल की बात करूं सर, ये इजी लेवल आया था, डीआई इजी लेवल आया था, क्योंकि डीआई की अगर लेवल टफ होगा तो वो एसएससी बैंक में मिलता है, यहां पर नहीं। ये दाम डीआई को भी इजी बोलूंगा, इसमें किसी को बच्चे संदेह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करें सिंप्लीफिकेशन से, सिर्फ एक सवाल पूछा गया था, परसेंटेज से दो सवाल देखने को मिला था, अभी कॉपी का सवाल था है ना, एरर वाला सवाल देख लीजिएगा है ना, जो ऑफलाइन बच्चा पढ़ा होगा उसको तो डेटा भी सेम था, 9 से भाग देने की बात किया था, 9 से डिवाइड, और ऑनलाइन वाले बच्चे 8 से डिवाइड 8 से भाग की बात किया था। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से हमेशा की तरह चार सवाल, देखिए ध्यान से, चार सवाल अकेले। ठीक है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट से दो क्वेश्चन पूछा था, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था, पाइप एंड सिस्टम से एक क्वेश्चन था, पार्टनर से भी से एक क्वेश्चन यहां पूछा गया था, टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी एक सवाल देखने को मिला था, एक सवाल ट्रेन से था। लेकिन ज्योमेट्री पे एक बार जब नजर डालेंगे ना, तो ज्योमेट्री से टोटल 6 क्वेश्चन था, टोटल 6 क्वेश्चन। ऐसा नहीं बोला कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आए थे, याद रखिए ज्योमेट्री एडवांस मैथमेटिक्स में आएगा, और एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव नहीं होता, कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉन्सेप्ट जहां पे लगेगा कैलकुलेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है भाई, तो अकेले ज्योमेट्री से 6 क्वेश्चन पूछा गया था, मेंसुरेशन से बादरों एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन यहां पे अलजेब्रा बेस था, कई बार इसको बच्चे नंबर सिस्टम भी दे सकता, लेकिन नहीं, वो क्वेश्चन अलजेब्रा था, भले वहां पे जीपी का इस्तेमाल किया था, उसको अलजेब्रा में रखा जाए। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके 33 क्वेश्चन थे। फिर मैं बताऊं कि आपके अगर थोड़ा सा लेवल की बात करते हैं बादरों, ठीक है, अगर हम लेवल की बात कर रहे हैं तो ये डीआई जो था वो इजी सेक्शन में जाएगा, डीआई एकदम इजी जाएगा है ना, जिन बच्चे को डीआई आ गया होगा तो पूरा पेपर निकाल के चला जाएगा, मजे करेगा उसको, क्योंकि वो बाकी नहीं भी सॉल्व करेगा तो वो अपना काम कर लेगा। डीआई के बाद अर्थमेटिक बोले तो कौन कौन आएगा, अर्थमेटिक की बात करें बहादुरों, तो अर्थमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, जितने टॉपिक सीआईएसआई सब इसमें आते हैं। ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट, लेकिन यहां पर साथ साथ रुक जाओ, यहां पर एक लाइन और बोलूंगा कि कैलकुलेटिव था, ये कैलकुलेटिव था, अभी आपको दिखाएंगे पेपर कैसे सॉल्व होता, डिफिकल्ट मत बोलिएगा, इजी टू मॉडरेट पेपर था, और कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा था। अगर कोई बच्चे कैलकुलेशन को अवॉइड करने का तरीका नहीं जानते तो उसको थोड़ा सा तकलीफ यहाँ पे गया होगा। अगर हम बात करते हैं एडवांस मैथमेटिक्स का, एडवांस की बात कर लें, एडवांस में ज्योमेट्री, मेंसुरेशन है ना, अलजेब्रा सब आ जाते हैं इसमें। ठीक है भाई, एडवांस मैथ की अगर हम बात करते हैं तो ये एडवांस मैथ मॉडरेट लेवल का था। ठीक है भाई, कुछ आसान भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मॉडरेट बोलूंगा इसको, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना कॉन्सेप्चुअल, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था एडवांस मैथ में, जैसे पिछले साल ही पूछा गया था। तो ये अपना डिटेल समझ में आ गया सर, किससे कितने क्वेश्चन बने थे, आइए एक करके हम सवाल देखना चाहते हैं क्या है। सवाल क्या है, पहला ही क्वेश्चन डीआई का जो आंसर गलत था, हम सेट डी डिस्कस कर रहे हैं, एक बार पहले बता दूं ये कौन सा सेट है, मैं सेट डी को डिस्कस कर रहा हूं, जैसे सिक्वेंस में था वैसे सिक्वेंस में रख दिया, ठीक है, वैसे सिक्वेंस में चेंज हम नहीं किए खास करके। चलिए पहला सवाल देखते क्या है, देखिए ये डीआई में खुद टाइप करवा दिया ताकि किसी बच्चे को तकलीफ नहीं जाए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन जो आप देखे थे इसी का आंसर आप लोगों को नहीं आ रहा था, आंसर आप लोगों ने निकाला भी होगा, हालांकि सीधा बोला सर डिफरेंस बताओ, हम बोले किसका, बोला एवरेज सेल ऑफ, यहां पर बोलो टेलीविजन, पहले तीसरे डीआई समझा दीजिए, बोले डीआई समझने का हमने ट्रिक क्या समझाया था, किसी डीआई को समझने के लिए इसका मेन हेडिंग पढ़ना जरूरी है बहादुरों, तो मेन हेडिंग पढ़ लीजिए सब समय आएगा। बोला सर गिवेन जो बार चार्ट दिया क्या दिया है, बोला सेल्स दिया, सब 1000 में डेटा दिया है, किसका सेल, सेट ऑफ टेलीविजन ऑफ 3 कंपनीज, तीन अलग अलग कंपनी का जो है ना, कंपनी रियलमी है, सैमसंग और वन प्लस है, ये टेलीविजन कितना सेल किया, सब 1000 में दिया। बोले बड़ा आसान दिया यार, आ जाओ आप पूछा क्या, बोला सर देखो रियलमी और सैमसंग टेलीविजन की औसत बिक्री कितना आगा, अंतर बताओ तीनों साल का, तो भैया देख लो रियलमी यहां पर है, देख लेना आराम से, और सैमसंग बेटा यहां पर है, तो तीनों को जोड़ करके 3 से भाग देंगे
है ना, और यहाँ भी तीनों को जोड़कर तीन से भाग देकर सीधा सीधा आंसर ले आएंगे। तो एक बार जोड़ लेते, जोड़ने तरीका यहाँ पर देख लीजिएगा, आसान है। तो पहले रियलमी को यहाँ जोड़ दूँ, हाँ, जोड़ने तरीका क्या था, ओरल, यहाँ पे देखिए सर, पाँच और चार यहाँ पे, तो चार और चार यहाँ पे, यहाँ इससे जोड़ लो पहले रियलमी, चार चार आठ और तीन 1100 आ गया, है ना, पहले 100 प्लेस को जोड़ा जाता है। पेन मत चलाइएगा, पेन चलाएंगे फिर बोलेंगे सर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया था, ऐसा नहीं। अब देखो सात और दो नौ, नौ और आठ कितना हो गया सर 17, नौ और आठ कितना होता है 12, 17, 1100 प्लस 17 का मतलब है 170, यानी क्या 1270, रुक जाओ 1270, आठ पाँच क्या 13, 70 और 13 कितना 83, मतलब ये हो जाएगा सर 1283 जुड़ गया। हाँ, इसको तीन से डिवाइड करेंगे। अब सर सैमसंग को जोड़ ले, हम बोले हाँ जोड़ लेते, वैसे जोड़िएगा पहले 100 प्लेस को, उसके बाद 00 चिपका देना, पहले 10th प्लेस को बहादुर, फिर 10 और फिर हम लोग यूनिट प्लेस को जोड़ देते हैं। ऐसे जोड़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर आप टाइम बचा नहीं पाएंगे। सर चार चार आठ और ये चार 12 प्लस 1 13, 1300 आ चुका, हम बोले हाँ चार चार आठ और दो 10, ठीक है 1300 प्लस 1 कितना हो गया 14, अच्छा कुछ गलत जोड़िए गुरु, हाँ इधर सब कुछ क्लियर था, हम बोले हाँ इधर कितना था 1300, रुको इधर 7 4 11 11 और 2 13, सर 1300 प्लस 130 कितना हो गया 1400, कितना हो जाएगा बहादुरों 30, 1430, अब यहाँ पे जोड़ लो 8 7 15 प्लस 1 16, 30 और 16 मतलब क्या हो गया 46, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1446, और इसको डिवाइड क्या कर लेंगे तीन से, अगर इसका डिफरेंस लिया जाए कितना हो जाएगा ये 163, और इसको अगर तीन से डिवाइड करेंगे बहादुरों तो ये आ जाएगा 54.34, जो एक भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये आप मान लीजिएगा इसमें क्या है, ये विलोपित है, इसमें गलत आंसर है, इसको है ना एक और ऑप्शन देना चाहिए था 54.34, बात क्लियर हुआ कि नहीं। पहला क्वेश्चन एकदम आसान है, जोड़ने घटाने पे है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपको गलत आया था, मतलब दिया था गलत था, आपने सही निकाला होगा। चलिए अगला सवाल बहादुर आपके स्क्रीन पे एक और था, अच्छी बात है हर डीआई पे दो दो सवाल फ्रेम किया, ये अच्छी बात है, ठीक है। सवाल पढ़ते क्या है, बहुत सिंपल, ये से आसान कोई सवाल नहीं है। बोला देखो सर 18 में वन प्लस द्वारा जो टेलीविजन पर है जो बेचा गया 18 में, ये कितना 18 में जो टेलीविजन बेचा उस पर हर सभी पे लाभ कितना कमा रहा है 946, हर एक टेलीविजन पर वन प्लस का 2018 में जो बेचा था उस पर 946 लाभ कमा था, तो टोटल जो है सो कितना लाभ होगा। हम बोले वन प्लस यहाँ पे आ जाओ 2018 का डेटा ये वाला दिया है, मतलब ये वाला कितना था सर 672, तो टोटल प्रॉफिट निकाल दो ना सर, 672 को आपने बेचा और हर एक पर 946 आप लोग कमाए थे, है ना 946, अच्छा गुना करना हो तो गुना करने के लिए बेस्ट है इसको ऐसे कर लो, कैलकुलेशन से समय बच जाएगा आपका। देखो तो सर इसको मल्टीप्लाई करना कितना 9946। अब कुछ बच्चे पूरे कैलकुलेशन कर रहा होगा, हम बोले नहीं, पहला लगाओ कि यूनिट गिर से काम चल रहा है सर, 6 × 12 का लास्ट में कितना होगा 2, सर 2 यहाँ भी दिख रहा है 2 यहाँ भी 2, काम नहीं चला, हम बोले काम नहीं चला, छोड़ो काम नहीं चला, रुक जाओ। अब क्या करते हैं हम लोग, सर लास्ट के 2 डिजिट से तो काम चल रहा है, हम बोले वही कर लेते ना, छोड़ो ना पूरा क्यों मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे देखो 6 × 12 का 1 कैरी कितना हो गया, बोलो 6 × 12 का 2 कैरी 1, यहाँ पर देखो 7 × 6 = 42 और 4 × 2 = 8, 50 प्लस 51, लास्ट में कितना लास्ट के 2 का 12 है, तो 12 कहां दिख रहा है बहादुर, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। तो देख रहे हैं एक पर अगर इसको 946 अगर प्रॉफिट हो रहा है तो टोटल कितने टीवी बचे थे 672, तो इनटू कर देंगे, और इनटू भी पूरा क्यों करेंगे यार, नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर सब बच्चे ने ठीक कर लें फटाफट से, हम सेट डी को डिस्कस करें, बात को ध्यान रखिएगा, बड़ा आसान तरीका बताऊंगा आपको, इस पूरे सॉल्यूशन को देख करके लगेगा नहीं सर डीआई भी आसान होता है, बाकी चैप्टर भी आसान होती है, बस उसका अप्रोच आप कैसे लगाते हैं वो डिपेंड करता है। बहुत लोग आपका सॉल्यूशन देने जाएंगे, बहुत डिटेल में देंगे, मतलब ज्योमेट्री का भी मैं 2-3 लाइन में सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है पूरा सेशन देख लेना, बहुत हेल्प मिलेगा। आइए बहादुर बात कर ले यहां पर फटाफट से, बोला सर क्या है, हम बोले कुछ भी है, पहले ऊपर हेडिंग पढ़ लो, ऊपर हेडिंग पढ़ो बात खत्म है, ठीक है पाई और क्या बोला सर, पाई और टेबल का मर्ज करके दिया था लेकिन हलवा है कुछ नहीं है। बोला सर स्टडी पाई चार्ट को करो और बोले टेबल को केयरफुली पढ़ लो और आंसर करो क्वेश्चन को। हम बोले आगे क्या दिया है सर, ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेंथ इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अच्छा देखो 5-5 अलग अलग सब्जेक्ट्स है जिसका यहाँ पे दिया हुआ है डेटा, ठीक है, और एक यूनिवर्सिटी में 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स जो भी है ना उसके जो लेक्चर्स ले रहे हैं ना उसी को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया है, ठीक है। अब आगे एक चीज दिया हुआ कि टोटल जो नंबर ऑफ लेक्चर्स है वो 800 है, हम आपको क्या समझा के रखे थे कि बेटा परसेंटेज में टोटल तो 100 होता है कि नहीं बताओ, हाँ तो हमारे हिसाब से सर टोटल 100% का जो मान है वो कितना होगा 800 होगा कि नहीं होगा बोलो, तो 0 कट जाएगा यहां से, तो यहां से 1% का मान आप लोग निकाल के रख लियो, कितना बोलो सर 1% का जो मान होगा ना वो होगा 8, तो बात खत्म। जब 1% का मान 8 निकल गया बहादुरों तो दिक्कत किस बात का है। अब सवाल क्या पूछा, बोला सर व्हाट इज डिफरेंस यानी कि इसका अंतर बताओ किसका, नंबर ऑफ फीमेल लेक्चरर इन इंग्लिश और हिस्ट्री का। रुक जाओ सबसे पहले 1% का मान तुम्हें 8 पता है, आ जाओ पहले इंग्लिश निकालो, इंग्लिश कहां पर बेटा आएगा, इंग्लिश सर 20%। हम बोले यार 1% का मान कितना है, बोलो सर 1% का मान 8 है तो 20% का मान कितना होगा सर, मतलब 20% का मान होगा सीधा सीधा सर 100 कितना सर 180 होगा, मतलब 160 होगा, ठीक है क्योंकि 8 × 2 = 16 डन।
अब इसी में से अब टोटल हो गया ना, इससे मेल फीमेल की बात ही मत करो। इंग्लिश के टोटल जो है सर लेक्चर कितने हो गए बेटा 160। अब इंग्लिश यहाँ पे आ जाओ, सर ये है मेल ये फीमेल है, फीमेल पूछा है तो फीमेल कितना बेटा एक और मेल कितना चार, मतलब टोटल कितना पाँच। तो जब इसका तुम लोग एक बटे पाँच निकाल दोगे तो यहाँ से क्या होगा 32 × 160। तो यहाँ से फीमेल लेक्चर की पता चल गया कि नहीं, फीमेल लेक्चर कितने थे बेटा, कितने थे 32, बात समझे क्या। तो इंग्लिश में टोटल 160 को 5 से भाग देंगे 32 आएगा, जो 32 एक महिला का यहां पे रेशियो था, देख लो ना यार, ठीक है। तो सर ये तो निकल गया, हम बोले आ जाओ हिस्ट्री पे आ जाओ, हिस्ट्री कहां पर, हिस्ट्री यहां पे 16 देखते देखते चलना बस कुछ नहीं। एक का मान 8, तो हिस्ट्री का कहां निकाल दूं मैं, यहां निकाल देता हूं, यहां पे तो सर हिस्ट्री का कितना होगा, हम बोले यार देख लो ना यार कुछ नहीं करना है, ये 16 8 कितना होगा सर, 16 8 128, हम बोले बहुत बढ़िया, इसमें फीमेल निकालना, हम बोले हाँ इसमें फीमेल निकालना, कैसे निकलेगा यहां पे आओ, हिस्ट्री कहां पर, यहां पे फीमेल कितना बेटा, फीमेल है सर 5, टोटल कितना होगा 8, क्योंकि मेल 3 है। तो बस अगर 128 का देखो, अगर ये 128 का कोई 5 बटे अगर 8 निकाल लिया जाएगा तो ये कट जाएगा कि नहीं, हम बोले हाँ ये तो कट जाएगा, हम बोले बहुत बढ़िया 16 बार में कट जाएगा, 16 × 85, मतलब यहाँ पर जो फीमेल है हिस्ट्री में वो 80 है और यहाँ पर 32 है। और साफ साफ इसका डिफरेंस पूछा था, इसका डिफरेंस निकालोगे कितना होगा बेटा 48 होगा, तो देख लो ऑप्शन कहाँ पर है, 48 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक्चुअली मैं इसको अच्छे से टाइप करा दिया हूँ ताकि किसी बच्चे को ज़्यादा तकलीफ ना हो समझने में, फ्यूचर में भी काम आएगा, ठीक है। वो पेपर को स्कैन कराया था, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा था, तुम्हें दिक्कत होता है। तो आंसर क्या होगा 48, एकदम आसान, डीआई को बिल्कुल आसान बोलेंगे हम। जिन-जिन बच्चे मेरे 2 डीआई का लेक्चर देखा होगा वो बड़ा खुश होगा, 10 क्वेश्चन वो फ्री बना के आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला एक और सवाल इस पे दिया बहादुर, आइए बात करते हैं फिर से, कुछ नहीं दिया घबराइएगा मत। फॉर एन इवेंट ऑफ यूनिवर्सिटी बोला क्या, ओनली ओनली लेक्चर्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी हैव टू पार्टिसिपेट, मैथ और बायोलॉजी दो ये पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे हिंदी में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेक्चरों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत बढ़िया। बोला रेशियो बताओ, मतलब किसका, बोला मेल लेक्चर मैथमेटिक्स का और मेल लेक्चर बायोलॉजी का, फिर वही सवाल हो गया कि नहीं। मेल लेक्चर अब याद रखिएगा, एक पर्सन का मान निकालते, भूलिएगा मत कि एक पर्सन का मान बहादुरों 8 निकला है, तो पहले मैथमेटिक्स निकाल ले, हम बोले हाँ, तो सर ये मैथ्स का टोटल कितना होगा, हम बोले 8 या कितना हो जाएगा, बोलो 24, और इसमें क्या निकालना आपको, सर इसमें निकालना हमको मेल, तो मेल कैसे निकलेगा बहादुरों, आ जाओ यहाँ पे, सर मैथमेटिक्स में मेल तो कितना है, बोले 7 है और महिलाएं 3, तो टोटल कितना हो गया 10। तो जब तुम लोग 240 को बहादुरों 7/10 कर देंगे तो तुम्हारा मान तो यहाँ से निकल गया, हम बोले क्या रेशियो चाहिए, तो 24 × 7 रहने दो, बड़ा फायदा होगा, गुना करके मत फंसना, ठीक है। तो मैथ्स का टोटल हो गया, गुना मत करिएगा। सर ये बायोलॉजी बोला बताइए ना मेल का, हम बोले पहले बायोलॉजी तो बता दो, सर बायोलॉजी है 12, हम बोले अच्छा तो एक का मान कितना हो गया, बोलो 8, तो यहां देख लीजिए, यहां पे निकाल दूं क्या, यहां पे निकाल दो, चलो यहां पे बायोलॉजी का, ठीक है भाई बायोलॉजी, तो सर ये क्या हो जाएगा, हम बोले कुछ नहीं है 12, ठीक कितना हो जाएगा 96, और आपको इसमें बायोलॉजी कहाँ पे बेटा, यहाँ पर मेल कितना है, बोलो 3, और आउट ऑफ कितना हो जाएगा 4, अब यहाँ पे देखो 2496 और 24 तक कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, खत्म। तो सर रेशियो निकाल लें, हम बोले हाँ रेशियो निकाल लेते हैं, यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में मेल आ जाएगा कितना 24 × 7, रहने दीजिए, और इधर जो आया बहादुरों ये आ गया 72, तो आपको याद नहीं है क्या 24 × 72 होता है, और इस तरह से मारोगे 7:3, देख लीजिएगा आंसर कौन सा है बहादुरों, 7:2, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, देख लीजिए। तो बहुत आसान है, कैलकुलेशन भी इसमें बहुत दिक्कत आपको नहीं देगी, हाँ आएंगे आसान सवाल, डिफिकल्ट भी आएंगे, अभी आपको मैं दिखाऊंगा ज्योमेट्री वगैरह में हम किस तरह से वहां टैकल कर रहे होंगे, वो आपको नजर अभी आ जाएगा, ठीक है। और ये लाइव नहीं, मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है, लाइव में थोड़ा सा बच्चे सब जुड़ नहीं पाते, मैं अब कल तुम लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था पढ़ पढ़ के इतना देर से, मैं थोड़ा छुट्टी तुम लोग मना लो, फिर लाइव में कोई बच्चे जुड़ पाएंगे कोई नहीं जुड़ पाएंगे, इसलिए मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूं, ठीक है भाई। चलो तीसरा सवाल देखो, यहां पे तीसरा सवाल इसी पूछा था, एकदम डरना नहीं है बेटा, एकदम डरना नहीं है, एक अच्छी बात है, इसमें कई सवाल पूछ लिए थे आपसे, पढ़ूं सवाल, बोला किसी समारोह में केवल रसायन विज्ञान और इतिहास के लेक्चरों को सम्मानित होना है, इस समारोह में रसायन विज्ञान में महिला, ए रसायन विज्ञान बोले तो बेहतर केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री कुछ मत करना, एक पर्सन का मान तुम लोग सब बहादुरों याद है 8 × 8, तो सर यहां पर केमिस्ट्री में कितना हो 22, तो 22 × कितना हो जाएगा 8, टोटल हो जाएगा, ये केमिस्ट्री का टोटल हो जाएगा, रुक जाओ, अब महिला चाहिए, सर केमिस्ट्री कहां पर है, बोले हाँ महिला कितना बेटा सर 5, मेल कितने बेटा 5 6 6 5 11, तो हमको महिला चाहिए, तो 5/11 कर दो ना सीधा सीधा, सर 11 से कट जाएगा 2 बार में, देखो 5 × 2 = 10, मतलब यहां से 8 80 आ गया कि नहीं, बोलो, तो केमिस्ट्री में कितने महिलाएं थे बेटा 80, हम बोले बहुत बढ़िया, आगे पढ़ो आगे आगे आगे, और किसका बोला था ये, किसका, इतिहास के पुरुष लेक्चरों की संख्या की तुलना में कितना प्रतिशत है, पहले इतिहास तो देख लेते हैं, इतिहास पे बात किए थे हम लोग 16 8 88 है ना, और इसमें मेल कितना एक बार चेक कर लीजिए फिर से, हालांकि निकाल लिए तुम लोग, हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितना 16 × 8, हम बोले हाँ लेकिन हमको चाहिए मेल, हिस्ट्री में मेल कितना होगा बोलो 3 × 8 = 8 खत्म, तो 16 × 3 कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 16 × 3 = 48, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, एक बार और चेक कर लें क्या, एक बार और चेक कर लेते, रुक जाओ,
एक बार और चेक कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। क्या बोला था यहाँ पे, इंग्लिश पढ़ लिया सीधा सीधा, बोला सर मेल जो है सो लेक्चरर केमिस्ट्री का व्हाट परसेंट मोर, अच्छा मोर देन द मेल लेक्चरर देन हिस्ट्री, बहुत बढ़िया आ गया। चलो चलो यहाँ पर चेक कर लीजिए सर, ये हो जाएगा 80, हम बोले हाँ ये हो जाएगा 48। सर कितना ज्यादा है, हम बोले बेटा ये 32 ज्यादा है, किस पर 48 पर, तो इसको कटाएंगे कितना होगा 16 दी 32 16 48 गुने 100 कर देंगे सीधा सीधा आ जाएगा सर 66 सही 2/3%। ये पूरी तरह से परसेंटेज का खेल है, ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है। तो सर यहाँ पे देख लो सीधा सीधा 80 से कितना ज्यादा है, ये 48 से तो 32, किस पे ज्यादा 48 पे, तो 48 को नीचे रख लेना समझे, और गुने 100 करना ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो इस पर तीन क्वेश्चन आपने देखा डीआई पर, बड़ा ही हलवा सवाल था जो आप लोगों ने इसको उम्मीद करते सॉल्व किए होंगे। आइए अगला सवाल बात करते बहादुर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कोड डीआई का है, बहुत खूबसूरत और आसान डीआई है, कई बच्चे को इसमें घबराहट होगा क्योंकि जो दिया था वो पूछा एक्चुअली नहीं था। पढ़ लेते हैं सर डीआई पढ़ने के लिए क्या करते हैं, बोले मेन हेडिंग पढ़ना पड़ता है, ठीक है। यहां पे देख लो ये जो पॉलीगन का फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, सक्सेस रेट को शो कर रहा है एक बैट्समैन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट अलग-अलग साल में, अलग-अलग साल में बैट्समैन का जो सक्सेस रेट है बहादुरों उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं। दिया है सक्सेस रेट और पूछा है बेटा फेल्योर, फेल होने का रेट पूछा, वो भी एवरेज, कौन कौन साल 2016 18 20 और 21 में। देखिए ध्यान से, जो डेटा दिया उससे नहीं पूछा है, वो सक्सेस रेट दिया हुआ है, और फेल्योर और सक्सेस टोटल अपने आप में कितना होता है 100%, ये बात दुनिया में याद रखिएगा, आप भी अपने आप में 100% है। अब मेरा 2016 में आ जाऊं, हम बोले अगर ये बैट्समैन 65% अगर सक्सेस हुआ होगा तो फेल्यूर कितना रहा होगा 35%, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए सर ये 16 हो गया, बोले 18 आ जाओ, 18 में अगर 52% सक्सेस रेट है फेल्यूर रेट कितना रहा होगा 48, देखते रहना एकदम खत्म। सर ये 20 की बात कर रहा हूं, बोले 20 में 72 अगर बहादुरों ये सक्सेस हो रहा है तो 28 अनसक्सेस हो रहा है, ठीक है भाई देख लो परसेंटेज में चेंज कर दिया, मतलब 100 में माइनस कर दिया हूं समझ जाना। 21 में 63 है तो यहां पे कितना रहा होगा 37। अब कुछ मत करना, चारों को एक बार क्या कर लेंगे मन में जोड़ लेंगे, 4 से भाग देंगे आंसर आ जाएगा, किससे जोड़ेंगे सर 4 3 7 7 और 5 12 मतलब 120 जोड़ना, ऐसा ही जिसमें बोल रहा हूं 120। अब यहां पे देखो 8 8 16 5 21 और ये कितना हो गया 7 28, 120 प्लस 28 मतलब समझ रहे हो ना, हां सर 148 कितना हो जाएगा 148, ठीक है। और किससे डिवाइड करेंगे आपको यहाँ पे 4 से कर देना, ठीक है भैया देखो क्या 4 से 4 3 12 4 7 28 मतलब 37% देख लो एवरेज आ गया, ऑप्शन नंबर कौन सा ए जो राइट आंसर, ठीक कर लीजिएगा। मतलब ये सक्सेस दिया था, हमें चाहिए फेल्योर वाला, तो निकाल लेते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में रखा हूं जिस सीक्वेंस में बहादुर आपके कहां पे दिया गया था बताओ, जो आपके सेट डी में दिया गया होगा, हालांकि क्वेश्चन तो आप मैच कर ही लेंगे, कोई बहुत तकलीफ वाली बात नहीं है। ये टाइम एंड वर्क का बड़ा खूबसूरत सवाल, अच्छा टाइम एंड वर्क पढ़ाते के बाद बोले थे ना किस तरह सवाल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, फ्रैक्शन वाला मैं कहा था खूब, मेरा देख लीजिएगा यूट्यूब वीडियो ना, बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है फ्रैक्शन वाला। दूसरा एक कौन सा पढ़ाते हैं कि जो आप लोग टाइम लिया जाता है टोटल वर्क को करने में लगा समय लिया जाता है, इसे यहां पर देखिए सवाल कितना आसान है, बोला सर ए जो है सो देखिए बहादुर 3/5 काम को 14 दिन में कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, हम क्या समझाए थे आपको फिर समझा रहा हूं रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चा पहली बार पढ़ो समझ में आएगा। नीचे जो 5 है इसी को बोलते हैं हम लोग टोटल वर्क, क्या बोलते हैं बहादुर टोटल वर्क, मतलब टोटल 5 काम था इसमें से 3 काम इन्होंने किया और यही 3 काम को करने में कितना लगा दिया बहादुर 14 दिन। अच्छा 3 काम को लगा दिया 14 दिन तो सर की बताओ 1 काम को कितना लगा 14/3 तो टोटल 5 काम को कितना लगा देगा 70/3। तो यहां से एक बात बोले हम बोले क्या सर ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, टाइम देख लो यहां पे हम निकाल दिए भाई, यहां पे निकाल के दिखा रहा हूं, यहां पे देख लेते हैं एक बार है ना, ठीक है बहादुर अब समझिएगा 3 काम हो गया 14, 1 काम होगा कितना 14/3 और हमको 5 काम चाहिए था तो क्या हो जाएगा 14 5 70 कितना हो जाएगा 3। तो आप बोल सकते हैं सर एक किसी काम को अगर करेगा तो इसको कितना समय लग जाएगा, सर इसको 70/3 लग जाएगा एकदम। यहां पे ये क्यों लिए, क्योंकि टोटल काम को करने में जो लगा समय होता है यहां पर उसी को लेते हैं, कोई बच्चा 14 ना ले ले, बात समझाता हूं मैं आपको अक्सर है ना, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। आगे बोला अब बी भी आ गया, अच्छा बी भी आ गया, हाँ अब जो है सो रिमेनिंग जो काम बच गया था बी भी जब आ गया उसके साथ जॉइंड हिम का मतलब उसके साथ जुड़ गया, मतलब अब जो काम रहा होगा ए के साथ बी भी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा बताओ, हाँ तो सर अब दोनों मिलकर करेगा, हम बोले हाँ इसको यहां पर रफ कर रहा हूं समझ जाओगे, हाँ ठीक है आओ देखो इधर आओ, ठीक है हटा रहा हूं उसको, एक बात बताओ मुझे एक बात बताना कितना आसान हो गया, क्यों
सर मुझे बताओ, हम बोले क्या, यहाँ पे देखते रहना सर, ये ए बी दोनों मिल जाएगा, हम बोले हाँ। अब बचा काम, तो पांच में से तीन काम तो करके चला गया था ए, तो बचा कितना, दो काम। तो सर इसका मतलब दो बटे पांच काम बच गया था, ये दो काम करने में इसको छह दिन लग रहा है दोनों को, एक काम तीन दिन, तो ये पांच काम करने में कितना लग रहा है, पंद्रह दिन। तो यहाँ से एक बात और समझ आ गया कि सर ए और बी दोनों अगर मिल जाएगा तो ये पूरे काम को पंद्रह दिन में कर देगा। देख लीजिए, ए बी को टोटल काम एक साथ करेगा पंद्रह दिन, यहाँ पे एक साथ काम जो करेगा उसी को यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब सवाल आसान हो गया कि इसका एलसीएम फटाफट से ले लिया, सर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 210 जो हो जाएगा क्या, टोटल वर्क। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं कॉन्सेप्ट, टाइम का एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क निकल जाता है। यहां से एफिशिएंसी की बात करूं, हम बोले हां 70 से डिवाइड कर दो तीन, और ये तीन उधर मल्टीप्लाई होगा 9 हो जाएगा। सर ये 15 से भाग दे दूं, हम बोले क्या सर, 15 कम 15, 15 चौका 60। तो यहां से एक बात तो कंफर्म हो गया, 14 में से 9 अगर एक काम अकेले कर रहा है तो इसमें घटा दो सर, मतलब बी का जो काम एफिशिएंसी रहा होगा 5 रहा होगा। देखो ना यार, 14 में से 9 काम तो अकेले एक कर रहा, मतलब बी कितना करेगा, 5। तो सर सवाल बड़ा था, पूरे काम को बी अकेले कितना दिन करेगा, लो बता दूं, टाइम पूछा था बी का, टोटल काम कितना 210 को अगर 5 से भाग दे दिया जाए तो 42 बार में कट जाएगा। बोल सकता सर बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, 42 दिन में। तो बड़ा अच्छा सवाल था, बहुत डिफिकल्ट मत बोलिएगा इसको, कॉन्सेप्चुअल सवाल था। ठीक है, सीधा सीधा सवाल। आइए अगला सवाल की बात करते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे क्या होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये वीडियो पड़ा भी रहेगा यूट्यूब पर, डोंट वरी। चलो अगला सवाल बहादुर आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए यहाँ पे ये टाइम स्पीड, ये यहाँ पे देखो क्या पूछा था, ये ट्रेन का सवाल था, क्या ट्रेन का सवाल है, हम बोले हाँ कोई बात नहीं है, एकदम हलवा है ये ट्रेन का सवाल, एकदम आसान सवाल है। मुझे लगता कि अगर ट्रेन तो पढ़ाया हूँ यूट्यूब पे, ऐसा दिक्कत नहीं, आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट ही पढ़ा के भेज दिए थे। देखो क्या है, पहले मुझे फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करे, मतलब खुद को करता है ना भाई, तो यहाँ पे वही तो बोला सवाल ने, बोले क्या सवाल ने बोला, बोला सर एक कोई आदमी है, कोई ट्रेन है, ये ट्रेन 90 की स्पीड से चल रहा था, 90 ट्रेन की स्पीड को S1 बोलते हैं, एक आदमी को क्रॉस कर दिया 24 सेकंड में, हम बोले अच्छा ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ट्रेन क्रॉस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, S1, और ये आदमी को क्रॉस कर रहा था, ट्रेन खुद को क्रॉस करना मतलब L1 बाई कितना हो जाएगा, बोलो T। L1 क्या होता है, ट्रेन की लंबाई होती है ना, सारे कॉन्सेप्ट तुमको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और फिर से रिपीट भी कर रहा हूं अभी तुम्हारे साथ साथ, डन। लेकिन मैं बोला था कि यार देखो ट्रेन के सवाल गलत इसलिए करते हो क्योंकि आप यूनिट को कन्वर्ट नहीं करते हो, यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है बहादुरों, ये बात को आप लोग समझ लो। सर ये तो किलोमीटर में दिया, हम बोले यही तो मैं बता रहा हूं, ये 90 है, ये बाकी सब मीटर में दिया, आंसर सेकंड में दिया, मतलब इसको मीटर में चेंज कर लो, तो इसको 5/18 से इंटू कर दिए, और यहां से इसकी लंबाई नहीं दिया था लेकिन ये दिया था 24 सेकंड। कुछ नहीं करना, 18 × 5 = 90, 5 × 25 = 25, 25 × 24 का मतलब क्या हो जाएगा, 600। तो सर ट्रेन की जो लंबाई हो गई 600 मीटर आ चुकी है, तो ट्रेन की लंबाई 600 आ गई, इसकी स्पीड बोले तो 5 × 5 = 25 हो गया। अब बोला यही जो ट्रेन एक दूसरे स्टेशनरी ट्रेन, मतलब ट्रेन चल नहीं रही है, चल रही है तो उसका स्पीड की कोई बातें नहीं है, लेकिन ट्रेन खड़ी है। अब एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है, मतलब सेकंड थ्योरी क्या, खुद को भी क्रॉस करेगी बहादुरों, साथ साथ उस ट्रेन को भी क्रॉस करेगी, तो सेकंड थ्योरी यहां पे क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, तो S1 बराबर, अब ये दूसरी ट्रेन खड़ी है तो उसकी स्पीड मत ले लेना भाई, चल कहां रही है वो। एक ट्रेन को क्रॉस करने का मतलब है ना, खुद को भी क्रॉस करना और जो ट्रेन को क्रॉस करेगा उसको भी क्रॉस करना, उसको L2 बाई कितना हो जाएगा, बोलो T। अब बोला सर जो दूसरी वाली ट्रेन उसकी लंबाई कितना, 40% ज्यादा है, मतलब L2 का मान दूसरी वाली ट्रेन की दिया हुआ है, इसका 40% मतलब कितना हो जाएगा, 6 × 24 = 240, मतलब 840 इसका भी लंबाई निकल गया। देख लो साफ साफ दिया कि पहले वाली ट्रेन से 40% लंबाई ज्यादा है, तो कैसे ओरल निकालते, रुक जाओ, किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए एक के बाद पॉइंट चिपकाते हैं, कितना और बताओ तुम लोगों को, देखो एक के बाद पॉइंट चिपका दिए 60 है, और फिर क्या करेंगे, 4 से गुना कर 240 जोड़ दिए। ठीक है सर, इसका स्पीड तो निकाले थे 5 × 5 = 25 कन्वर्ट करने के बाद, सर ये हो जाएगा कितना, बोले कितना हो जाएगा, बोलो सर ये पहले वाले का 600, दूसरे वाले का हो जाएगा 840, और बहादुरों टाइम कितना होगा, टी यहाँ देख लेते हैं फटाफट से, तो टी बराबर क्या होगा, 8 × 6 = 240 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, बोलो 25 से। अब बोलो सर ये 25 से भाग कौन देगा, यही सब तुम लोग कैलकुलेशन ना मिस्टेक करते हो, ज़्यादा कर लेते हो, बोले कैलकुलेशन सुनो ध्यान से, अगर कभी भी 25 से भाग देना हो तो भाग ही मत दिया करो, क्या कर रहे हैं बहादुरों, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, सीधा सीधा बात खत्म, क्योंकि नीचे 100 बन जाएगा, नीचे 100 बन जाएगा, हम बोले गुना करो सीधे 4 से, 25 से भाग देने से 4 से गुना कर दो, सर ये हो जाएगा 0, 4 × 16 = 6 कैरी कितना होगा 1, 4 × 16 = 17 कैरी 1 प्लस 4 + 1 = 5, और नीचे 100 है तो नीचे 100 है, तो एक बार देख लो, तो यहां से पॉइंट आ जाएगा बहादुर हट जाएगा, तो 57 कितना हो जाएगा, 6 आएगा, देख लो इतना सेकंड, 57.6 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो कैलकुलेशन हर जगह आप मुझसे सीख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए बहादुर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या होगा फटाफट से देख लेते हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे आज हम लोग। देखिए यहाँ पे छोटा सवाल पूछा था एक ज्योमेट्री का, यही वो है, फिर बोलता जो ये वीडियो हमारा रायपुर के जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ा होगा, ज्योमेट्री तुम लोग पढ़ाए थे कॉपी में, याद है क्वेश्चन खोलना जाके आज, है ना, हालांकि ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा सा नहीं पढ़ा पाए, टाइम बहुत कम बचा था, उतना रिविजन के लिए तुमको देना भी सफिशियंट था, ये पूरे कॉपी का सवाल है, मैं थ्योरी बताता हूँ
ज्योमेट्री का। बोला सर एक राइट एंगल ट्रेंगल एक्स वाई जेड, हम बोले आप एक ट्रेंगल बनाते हैं, देख लेना, बड़ा हलवा टाइप का सवाल है, बिल्कुल भी 10-15 सेकेंड का सवाल है। एक मिनट आ जाइए, ठीक है आ जाइए। एक राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल बोले तो यहाँ पे 90 डिग्री कौन बनेगा, इसमें किसी बच्चे को शक और संदेह नहीं होनी चाहिए। बोला सर यहाँ पर इसको एक्स लेना क्योंकि वाई ये हो जाएगा, ये जेड है ना, ये हाइपोटेनस मतलब ये क्या होगा, कर्ण होगा, और कर्ण का लंबाई कितना दिया बहादुरों, सर ये कर्ण जो दिया हम बोले कितना दिया, 18 दिया हुआ, ठीक है भाई। अब देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा स्वाभाविक है ना, कुछ भी मान लो यार, इसी को परपेंडिकुलर इसी बेस मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल क्या बोला, ये एक्स देखो 90 है, यहां से एक लाइन को ड्रॉ कर दिया गया, अरे रुक जाओ भाई, यहां से एक लाइन को ड्रॉ कर दिया इस पे, इस पॉइंट पर यहां पे ड्रॉ कर दिया, देखो यहां पे टी पर लिख दिया, ये टी पर यहां पे कट कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या थ्योरी पढ़ाए थे कि एक राइट एंगल ट्रेंगल होता है, जो नहीं पढ़ा है वो सीख लो। अगर एक राइट एंगल ट्रेंगल होता है, अगर यहां से परपेंडिकुलर से इसको यहां पे परपेंडिकुलर गिराओगे, तो ये जिसकी इसकी जो लंबाई होती है, इसके हाइपोटेनस के आधा नहीं होता, बताओ है ना। यहां पे दो थ्योरी पढ़ाए थे, अगर फिर भी रिपीट कर रहा हूं, दो थ्योरी तुम लोग को रिपीट कर देता हूं, आ जाओ। अगर ये यहां पे 90 डिग्री है तो ये जो हाइपोटेनस 18 है तो ये 9-9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये भी 9 ही होगा, याद रखिएगा। मतलब ये 90 है तो ये से है ना, ये तीनों आपस में बराबर होगा, और अगर ये तीनों आपस में बराबर होगा तो इसको 90 होना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को। इसलिए एक्स और टी का मान कितना होगा बहादुरों, ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ज्योमेट्री का एक थ्योरी पे सवाल डायरेक्ट पूछ दिया था। आइए अगला सवाल आप बात करते हैं, स्क्रीन पे आ गए, बहुत अच्छा सवाल है लेकिन बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं बोल सकता कोई बच्चा हमको, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं, बहुत डिफिकल्ट कोई मत बोल दीजिएगा, चलिए देख चेक कर लेते हैं फटाफट से आंसर क्या होगा। इसमें दो तीन चीजें आपको पता होगा, थोड़ा सेंटर के बारे में पता हो है ना, सर्कम सेंटर जो होगा, ऑर्थो सेंटर है ना, ये इन सेंटर एक्स सेंटर, ये जो ज्योमेट्री का पार्ट, एक सेंटर अलग नाम का टॉपिक है, अगर उसको पता होगा तो 10-15 सेकंड में 20 सेकंड लिपटा देता सवाल को। नहीं पता होगा सिखा देता हूँ, क्या दिक्कत है, सीख लेते हैं भाई है ना। जितना बोले पहले बोलो, बोला सर देखो एक ट्रेंगल बना लो एबीसी, हम बोले हाँ पहले रुको, पहले ट्रेंगल बना लेते हैं बाद में, रुक जाओ ट्रेंगल बना लेते, इधर बनाओ ट्रेंगल, बड़ा खूबसूरत सा ट्रेंगल बनाता हूँ मैं, देखना एक बार, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रेंगल बना लेते हैं खट से, ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। और एक बात और बताऊंगा, मैं तुम्हारे मैक्सिमम सवाल जो पूछे थे ना, वो एसएससी सीजीएल के मेंस से उठाया गया था, तो सीपीओ के पेपर से उठाया गया था, मैक्सिमम सवाल वहीं से उठाया गया था, ठीक है। इससे बच्चे के लग रहा है डिफिकल्ट सवाल है, स्वाभाविक है कि पीएससी वाले थोड़ा मैथ्स को कम टाइम देते हैं, स्वाभाविक है तो उसको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ऐसा प्रैक्टिस थोड़ा कर लेंगे ना, ये पेपर आसान लगता है। उसकी दूसरी बात क्या है ना, कि आप लोग ना आसान क्वेश्चन को अगर पिक कर लिए होंगे तो पेपर अच्छा गया होगा। आसान क्वेश्चन से बहुत सारा पूछा गया था, उसको पिक जितना जल्दी करते आंसर उतना जल्दी आ जाता, तो एबीसी हो गया। अब क्या बोला जाए, तो इसका अपोजिट साइड, ए का अपोजिट साइड पे क्या होगा, ये BC है, वहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो X पर है ना, और देखो सब पे B से ऑपोजिट साइड यहां पर यानी कि Y पर, और यहां पे C के ऑपोजिट यहां पे Z पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर सुनो, परपेंडिकुलर मतलब समझ लो भाई, परपेंडिकुलर की जो कटान बिंदु होते हैं उसी को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। आइए, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, रुक जाओ यहां पे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, इधर आइए बहादुरों, ये ड्रॉ कर दिए, ये हो जाएगा एक्स, बस याद रखिए परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई। सर यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, हम बोले हाँ कर देते हैं, और सर यहाँ से भी कर दीजिएगा, यहाँ से, हम बोले अच्छा ठीक है कर दिए। ये हो गया एक्स बहादुरों, ये हो गया वाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा जेड, और ये जो सेंटर है, ये पॉइंट जो है, इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया है सर, इसको इन्होंने जो नाम दिया है वो क्या दिया, कोई नाम नहीं दिया क्या, ओ दिया ना, ओ ठीक है, ओ दिया है, ठीक ठीक ठीक, ये क्या दिया इन्होंने, ओ दिया है, ओ दिया है, ये पॉइंट ओ है। अब आगे बोला एक्स ओ जेड यानी कि ये टोटल जो एंगल है बहादुरों, ये टोटल एंगल कितना दिया है सर, 130। अच्छा एक काम तो बहादुरों आसानी से पता चले, मतलब पेन नहीं चलाना है, रुको ना बता रहा हूं, आपको इतना पता है कि नहीं मुझे बताओ, सर इतना पता है क्या है, हम बोले यहां पे 90 डिग्री, अरे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब बहादुरों क्या होता है, 90 डिग्री कौन बनना, सर ये अगर 130 दे दिया, ये चार भुजा नहीं दिख रहा है, बस इतना पता करना था कि चारों भुजा, अगर चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं, और चतुर्भुज के चारों कोण सर ना 360 होते, बचपन से पढ़े थे, हम बोले लो ना तो बेटा यहां पर तो 90 बन ही गया, यहां पर 90 बन ही गया है ना, तो 180, और ये अगर 130 है तो ये सामने वाला कोण ना, ये सामने वाला कोण जो बेटा इसको 50 डिग्री होना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है 360 होने के लिए, देखो ना 90 और 90 180 और ये 130 है, इसको 50 दे देंगे तो ये 180 360 हो गया। अब इतना सा बात समझ लेना, मैं समझा देता हूं, देख लो अब ये एंगल बाई सेक्टर क्या होता है, मैं समझा देता हूं, पहले कलम चेंज कर लूं, वहां पे एक बात छोटा सा बोला है कि सर एक चीज बताओ, बोले क्या एंगल बाइसेक्टर का मतलब सामने वाले कोण को दो भागों में विभाजित कर देना है ना, अगर मान लो ये 60 है इसको 30-30 में बांट देना, विभाजित का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, हम बोले अच्छा ऐसा चल रहा है, रुको 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 रुको, अभी तुमको सिखा रहा हूं, एक मिनट
कौन सा कलम ले लेता हूँ, इसको ले लूँ, हाँ इसको सर ये इसका एंगल बाई सेक्टर यहाँ पे हम बोले हाँ। और मैं बता दूँ बहादुरों, मैं बता दूँ एंगल बाई सेक्टर की जो कटान बिंदु होती है ना उसी को बोलते हैं हम लोग इन सेंटर, अंतः केंद्र बोलते हैं याद रखिए ज्योमेट्री में। तो ये क्या हो जाएगा, तो यही जो पॉइंट है ना यही ये इन सेंटर होगा, ठीक है इन सेंटर। और यहाँ पे इन सेंटर का जो कोण बनता बता देता हूँ, पहले बोलो मैं इसको होल्ड कर लूँ थोड़ा, आंसर तुरंत आ जाएगा। क्यों सर इन सेंटर में जो कोण बनता है ना, यहाँ पर थ्योरी समझ लेना, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है ज्योमेट्री ना तुमको मजा आ जाएगा। अभी रुक जाओ, ये एंगल ए है, ये बी और ये सी है। अभी हम कोण समद्विभाजक की बात ही कर लेते हैं, कोण समद्विभाजक, ठीक है भैया। सर ये कोण की जो कटेगा लाइन यहाँ पे आ गया, हाँ ठीक है, यहाँ पे अगर आगे बढ़े ये कोण काट दिया तो यहाँ कटेगा। इस कोण समद्विभाजक की बात कर रहा हूँ, और जिस बिंदु पर कटता है ना इसी को बोलते हैं हम लोग इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है एकदम इन सेंटर आसान चीज होता है, अंतः केंद्र बोलते हैं। लिख दूं क्या, लिख देता हूँ बहादुरों, लिख दे रहा हूँ, अंतः केंद्र होती है, हलुआ एकदम हलुआ। रुको सर यहाँ पर अब यहाँ पर होता क्या, कौन सा कोण बनेगा, देखो यहाँ से देखो अगर ये कोण ए है, ये कोण अगर ए है बहादुरों, इसके सामने वाला जो सेंटर में जो कोण बनता है ना वो क्या होगा 90 डिग्री प्लस ए बाई कितना होता है बोलो सर, ये ए बाई कितना होता है 2 होता है, बस इतना सा थ्योरी है। इस थ्योरी को प्रूव भी करा दूंगा अगर तुम बोलोगे तो, लेकिन उतना टाइम खराब करने जरूरत नहीं है, जब क्लास में तुम करोगे तो मैं बताऊंगा ये पूरा चीज है तुम्हें, ठीक है। ये बात प्रूव भी हो सकती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, प्रूव भी हो जाएगा, ठीक है भाई प्रूव भी हो जाएगा। तो बस यही बात है, यहाँ पर अगर बेटा बोलो 50 है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री प्लस 50 का आधा कितना होता है, अरे सर 50 का आधा होता है 25, हम बोले 90 और 25 कितना होगा 115, तुम्हारा जो आंसर आएगा 115 आएगा, यहाँ पे एक बार देख सकते हो, तो 115 ये जो राइट आंसर सीधा सीधा टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन सेंटर की थ्योरी को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ बहुत सारा आपको बोलेगा सर इसको प्रूफ कर लो, हम बोले कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ करना चाहोगे कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा एंगल ए बाई टू, ये एंगल क्या होगा बादलों, ये सी बाई कितना हो जाएगा 2 होगा, और ये क्या हो जाएगा बी, तो यहां से भी कर सकते थे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है वहां से आ सकता है, तकलीफ वाली बात नहीं है। इस पूरे एंगल का नाम कुछ भी हम लोग दे सकते हैं, इसको थीटा मान सकते हैं, और हम कर सकते हैं। मैं चाहो तो करके दिखाता हूं, लेकिन आंसर सीधा यहीं से ले आना, इसको मैं रफ करके दिखाता हूं वहां पे कैलकुलेशन करके, अगर जो बच्चा पहली बार दिख रहा है इन्हीं सब को प्रूफ ही करके बता दो, मैं बता देता हूं। लेकिन अगर ये बेसिक चाहते तो सवाल देख लो, सवाल आप बोल सकते हैं 20-25 सेकंड बन जाता, लेकिन ये छोटी सी बात याद होनी चाहिए। चलिए मैं इससे बता देता हूं आंसर क्या था, 115। अब मैं इसको थोड़ा हटा लूं, हां इधर आइए, अभी बस देखो इसका ये जो परपेंडिकुलर बोलने का मतलब था कि 50 तुम निकाल सको, ये 50 तुम निकाल सको इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ बोला है, समझे कि नहीं, 50 नहीं निकाल पाते इसलिए दिक्कत होता, तुम 50 निकल गया तो बचा ही क्या, बट आप बोल रहे हो तो निकाल देते हैं डिटेल, ठीक है। यहाँ से क्या था, यहाँ पे ठीक है, इसको बताना, इसको यहाँ से ड्रॉ हुआ था, हम बोले हाँ ड्रॉ हुआ था, ये कौन की बात करो, ये इसको थीटा मान लिए थे, तो सर मुझे बताओ, हम बोले क्या एंगल ए का आधा, एक अगर टोटल है तो उसका आधा कितना होगा, ए बाई टू, हम बोले ठीक है एंगल ए बाई टू होगा प्लस एंगल सी बाई टू, और जो एंगल पूछा था उसको थीटा मान लिए, अब मुझे पता त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है बादलों, वो 180 होता है, ये बात पता है कि नहीं, ये कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ये सब करने की जरूरत नहीं है पेपर में, जितना किए उतना आंसर। अब क्या होगा, हम बोले कुछ नहीं होगा, ये थीटा बराबर दो क्या होगा, सर थीटा बराबर होगा 180, देखते रहो बादलों देखते रहो सर, इसको घटा दो ना, हम बोले घटा देंगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी और डिवाइड बाई कितना होगा बोलो 2, लेकिन मुझे बताओ ये बड़ा जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों मान कितना होता है बहादुरों, 180, हाँ तो एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी जो होगा वो क्या होगा 180 होगा, हम बोले हाँ, तो यहाँ पर ए और सी तो है ही, तो यहाँ पर देखो यहीं से निकाल देते, एंगल जो है ए और एंगल सी को जो पर क्या रख सकते हो, अरे सर 180, और क्या रख देंगे बोलो सर, माइनस क्या रख देंगे, बी रख देंगे सर, है ना माइनस बी होगा, हम बोले बहुत बढ़िया, तो इसके जो पर क्या रख देंगे 180 माइनस बी, देखते रहिएगा 180 डिग्री और ये माइनस, सर यहाँ पर रख देंगे 180 डिग्री और माइनस का बी, और ये डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2, एक बार नजर डाल लो ना, ये 2 से भाग दे दो ना तुरंत आंसर आ जाएगा, किसी को लगेगा तो बता रहे हैं सर 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का हो जाएगा 90 और ये माइनस माइनस प्लस होगा एंगल बी बाई बोलो 2, अब देख लो सेम बात नहीं हो गया, हम जो आपको डायरेक्ट बोले थे वही बात आपको प्रूफ कर दिया मैंने, 180 में 90 जाएगा सर तो बचेगा 90 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा बी बाई 2, तो आप मुझे बताइएगा ये बी का मान कितना, 50 निकाले थे क्या, तो 90 डिग्री प्लस बहादुर 50 बटे जब 2 करोगे ना तो ये होगा 25 और यहाँ से क्या होगा 115, तो दोनों से निकाल सकते थे कोई दिक्कत नहीं। तो ज्योमेट्री का ही दूसरा सवाल था, ज्योमेट्री का 2 सवाल और आएगा और बहुत मजा आएगा अभी, ठीक है। तो उम्मीद करते हो ऑप्शन नंबर बी सबने टिक किया होगा, सही जवाब था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक और सवाल एलिगेशन मिक्सर का आसान सवाल मैं आपको दिखाता हूं, चलिए बात कर लेते हैं, आइए
क्या एक टेस्ट में कितना 490 है ना, 494 स्टूडेंट ने एक मॉक लिया हिस्से में बेंगलुरु में, जिसे 53 बोया जाए और यहाँ पर 29 गलती से टाइप कर दिया, टाइपिस्ट को दिया तो 79 होगा, ठीक है 79%, यहाँ पे सुधार लीजिएगा सारे बच्चे, तो ये होगा 79%, ठीक है। हाँ 79% क्या था, गर्ल्स था, टोटल कितना था 68%। यानी कि जब भी दो चीज़ को मिलाने की बात करें, एलिगेशन मिक्सर लगेगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है भाई, क्योंकि अब दोनों मिला करके जो क्वालिफाई किया 68% है। बॉयज़ की परसेंटेज क्वालिफाई करने कितना बेटा 53, गर्ल्स का 79 है, डन। अब आइए ये हो जाएंगे बॉयज, ये हो जाएंगे हमारे गर्ल्स, तो ये हो जाएंगे 53 बहादुर, ये हो जाएगा हमारा 70, नहीं दोनों को मिला करके जो होता है उसको बीच में लिखा जाता है, तो खत्म हो गया सवाल। सर ये हो जाएगा हमारा 15, हम बोले हाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा ध्यान से देख लेना सर, ये हमारे हो जाएंगे जो है सो 11, ठीक है 11 आएगा, हम बोले अच्छा बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, अब टोटल हमारे हिसाब से देखो सर टोटल कितना होगा, हम बोले क्या 11 जो है सो लड़के और 15 लड़कियां जो है सो क्वालिफाई किए होंगे, मतलब टोटल बैठे होंगे एग्जाम में ना, क्वालिफाई किए होंगे। सर टोटल सर इतना नहीं है, टोटल जो हिस्सा लिया सर इतना नहीं है, हमारे हिसाब से टोटल 11 और कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है। तो हम बोले ठीक है हमारे साथ टोटल कितना होगा, 26 भाग लिया होगा बच्चे ने, 26 भाग लिया होगा। सवाल बोले सर 26 तो नहीं था, हम बोले कितना था यार 494, हम बोले अच्छा तो क्या हो जाएगा, हम बोले कुछ नहीं कटा दो 13 से दो बार में बहादुर, और 13 से कराएंगे कितना 38 बार में, ठीक है भाई। अब दो से करा दे, हम बोले हाँ कटा दो 13 से, पहले करा दिया हमने, ठीक। अब क्या हो जाएगा सर, एक का मान कितना होगा 19, और एक का मान अगर 19 हो गया तो बोला लड़कियों को कितना भागीदारी था तो 15 के बराबर, तो 15 गुने जब 19 हम कर लेंगे तो यहाँ पे देख लो 15 दो, यहाँ पे देखो 15 दुनी 30, 300 में 15 घटा देंगे कितना होगा 285, तो लड़कियों की संख्या कितना था 285, ऑप्शन नंबर कौन सा बात ए था, तो जो आसान था बस डेटा वो बाई मिस्टेक, अभी टाइपिस्ट से गलती हुआ है, ऐसा नहीं है आपके पेपर में याद है, ठीक है चलो। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर, आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। क्या ये बड़ा आसान सवाल था, अलजेब्रा का सवाल था, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो जाएंगे, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा वही तरीका लगाइए, क्योंकि सवाल जल्दी सॉल्व करना होता पेपर में, वहां पे कैलकुलेशन करने में थोड़ गए हैं, पेपर क्वालिफाई करने में गए हैं। देखो सीरियस तो इसका मान निकाला था वो तो सही बात है, लेकिन इसके पहले जो कंडीशन दिया था इस कंडीशन को थोड़ा देखिएगा, ये एबीसीडी जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब जीपी क्या होता है, हमने यार देखो हम लोग जीपी का मतलब क्या पढ़े, पहले नंबर लेकर के तुमको समझा देता हूं। देखो जीपी का मतलब जैसे 2 हो गया, 4 हो गया बेटा ना, या 8 हो गया, फिर 16 हो गया, वही होता है ना, है ना, इसका कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो, जैसे कॉमन रेशियो क्या होता है सर 4 को, इसका अगला वाला 4 को 2 से डिवाइड करिए कितना आ गया 2, फिर सर इसका अगला नंबर 8, 8 को 4 से डिवाइड करिए कितना आ गया बाद 2, मतलब रेशियो नहीं बदल सकता है। सर 16 को 8 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा बोलो 2, ठीक है भाई बात समझे। हाँ ये एपी हो गया सर, ये जीपी हो गया सॉरी। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा देखिए फटाफट से, बोला यहाँ पर नंबर नहीं है सर, ये 2 4 8 नहीं लिया, लिया क्या ए बी सी डी, हम बोले अच्छा ए ये बी और ये सी और ये डी, हम बोले वही तरीका है, यहाँ पे कॉमन रेशियो है बेटा, रुको ये कॉमन रेशियो निकालूंगा मैं सर, ये कॉमन रेशियो बड़ा हलवा होता है, हम बोले हाँ बहुत हलवा होता है, हम भी सुने हैं। ये बी बाई क्या होगा ए, फिर समझिएगा सर ये सी बाई क्या होगा, ये बी और ये क्या होगा बेटा डी बाई कितना होगा बोलो सी। अब मुझे बताओ ये रेशियो सबका बराबर होनी चाहिए, हमारे रेशियो बराबर होनी चाहिए, हाँ तो जब रेशियो बराबर ही होगा तब कैसे हो सकता है, तो आपको अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग चीजें आपको याद है, वैल्यू पुटिंग मेथड होता है अलजेब्रा में, ठीक है। तो वहां से देख लो तो भाई क्या सबका मान रख दूं कि सर क्या होगा, रेशियो ने चेंज नहीं होगा, हमारे जो भी रखोगे बराबर रखना होगा। तो यहाँ पर हम मान लिए सबको 8 है ना, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, हम यहाँ पे 1 रख लिए, देख लो 0 क्यों रखे सर, 0 रखेंगे तो 0/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए हम 0 नहीं रख पाए, ठीक है भाई, 1 रख सकते हैं, तो 1 रख देंगे, देखो रेशियो सबका सेम रहेगा, और जब 1 रखी दिए सवाल बचा फिर क्या, कुछ नहीं बचा, देखो सबका मान 1 में रहा, तो देखो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे देखो 1 × 1 क्या होगा 1 प्लस 1 × 1 क्या होगा 1, यानी कि टोटल 3 का होल स्क्वायर, बहादुर देखते रहिएगा सर यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा सर, बी का मान तो 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो सर सीधा स्क्वायर करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है, बोले सही तो बोल रहे हो, और इंटू फिर वही बात है सर 1 का स्क्वायर करो 1 होगा, सी का मतलब 1 का स्क्वायर करो 1, और इसका मान कितना होगा 1 का स्क्वायर 1, तो सर ये 3 है, हम बोले हाँ यहाँ देख लीजिए सर ये 3 का होल स्क्वायर, हम बोले हाँ उधर देखो सर 3 × 3 9, तो बेटा देखो 9 और 9 को जब कैंसिल करोगे सीधा सीधा आंसर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। हालांकि आप एक तरीके से जा सकते थे, हो सकता है आपको अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने का शौक है तो आप क्या कर सकते हो समझो, मैं बताता हूँ अलग से, लेकिन आपका आंसर आ चुका है 0 ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको लगता है सर यहाँ पे करना क्या है, अगर कोई चीज अगर एपी में चलता है ना तो एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, पहला टर्म अगर ए है ना तो इसका कॉमन रेशियो को आर बोलता है, दूसरा टर्म क्या हो गया ए आर, तीसरा टर्म क्या हो गया ए आर स्क्वायर, और चौथा जो टर्म हो गया वो ए आर क्यूब हो गया, तो मतलब पहले टर्म वाले को ए बोल देते हैं, ठीक है ए का मान ये रख देना सर, बी का मान ए आर रख देना, सी का मान क्या रख देना बोलो ए आर स्क्वायर, और डी का मान रख देना ए आर क्यूब, और इसका मान जब यहाँ पे रखोगे ना तो ये भी कट करके 0 होता है ना, एक बार निकाल के देख लेना, मैं निकाल के देख लिया हूँ, ठीक है। तो बहुत लंबा कैलकुलेशन होता है, उतना क्यों करोगे, जब स्मार्ट तरीका है यहाँ पर तो तुम उतना लेंदी क्यों करोगे, और करना होगा तो यहाँ पे रख दो, जहाँ जहाँ ए दिखेगा वहाँ ए रख देना, जहाँ बी दिखेगा वहाँ ए आर रख देना, जहाँ सी दिखेगा वहाँ पे ए आर स्क्वायर रख दीजिएगा, और जहाँ डी दिखेगा वहाँ पे ए आर क्यूब रख दीजिएगा,
और रख देने के बाद सॉल्व करना है होल स्कोर लगा करके, आपका 7 से 0 आने वाला है, ठीक है, उतना नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुटिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए। आगे सर देखिए कितना आसान सवाल दिया था इन्होंने, प्रॉफिट लॉस का सवाल तुमको बेवकूफ बना रहा है सवाल पूछ करके, बताऊं ये आपको बेवकूफ बना रहा है सवाल, मैं दिखा देता हूं आपके बार आसान सवाल है बेवकूफ बना रहा था। क्या बोला है कि देखो सर मार्क किया है आर्टिकल 50% अबव कॉस्ट प्राइस पे, बोले बेटा देख लो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात करें, 50% अबव का मतलब 100 में खरीद के लाएंगे सामान, 150 में चिपका दिएंगे मार्केट में। अब आगे बोला सर देखिए ओरिजिनल जो मार्क प्राइस था वो तो 450 था, हम बोले अरे 450 था, हम बोले हम तो 150 दिख रहे, रुको बात रहो, हमारा जो 150 का मान है ना, ये 150 का मान ये कितना दिया 450, तो हम बोले बेटा कितना गुना बोल रहा है 3 गुना, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, मतलब जो कॉस्ट प्राइस हम 100 माने थे एक्चुअल में कितना हो जाएगा 300, बात समझे कि नहीं, इसका फायदा कैसे उठा लिया, देखे तो कि नहीं तुम लोग देखते रह गए, हमारे हिसाब से मार्क प्राइस 150 होना चाहिए और वो बोला ना नहीं सर 450 है, बोले 3 गुना, तो कॉस्ट प्राइस भी 3 गुना करके 300, आपको पता है कि नहीं सेलिंग प्राइस कहने के बीच में होगा, हम बोले हाँ होगा आ जाओ। सवाल ये बड़ा अच्छा बात बोला, बोला सर मार्क प्राइस को अगर 25% बढ़ा देंगे और सेलिंग प्राइस को अगर 20% से बढ़ा देंगे तो जो बाद में जो प्रॉफिट होगा वो पहले वाले प्रीवियस प्रॉफिट से डबल हो जाएगा। हम बोले मुझे इतना समझा दो ए बहादुरों, इतना समझा दो डिप्टी कलेक्टरों कि ये प्रॉफिट का रेशियो बोला है, भैया प्रॉफिट को मार्क प्राइस से क्या लेना देना, ये तुमको बेवकूफ बनाने के लिए 25% बढ़ा दिया है ताकि तुम फंस जाओ और वहीं पे रुक जाओ। अरे कॉन्सेप्ट पे काम करो ना, प्रॉफिट को क्या मतलब है मार्क प्राइस से, प्रॉफिट जो रिलेशन बतलाएगी वो हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में बतलाएगी, तो इससे क्या मतलब है हमको, ठीक है, तो सर यही तो होगा प्रॉफिट, हम बोले हाँ ठीक है आ जाओ देखते रहना बस। हम बोले पहला प्रॉफिट क्या होगा, अरे सर सेलिंग प्राइस माइनस है बादलो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, बोलो 300 है, हम बोले ये होगा पहला प्रॉफिट। अब ये बोला सर सेलिंग प्राइस को ना 20% से बढ़ा देंगे, देखो ध्यान से पढ़ो किसको, सेलिंग प्राइस को, हम बोले पहले कितना माने थे एसपी माने थे, 20% बढ़ा देंगे मतलब 120/100 मतलब 1.2 नहीं होगा, बोलो हाँ होगा सर, तो यहाँ बादलो देखते चलो, तो दूसरे देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस अगर बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 1.2 सेलिंग प्राइस नहीं हो जाएगा, देखो ना हम 20% से बढ़ा देंगे बहादुरों अगर तो क्या होगा 1.2 है ना एसपी, अब फिर से हमको प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस में क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, तो यहां पर दूसरा प्रॉफिट P2 कैसे निकलेगा बहादुरों बताओगे, अरे सर 1.2 सेलिंग प्राइस और माइनस 300 तो रहेगा, तो आपने क्या देखा ये मार्क प्राइस का कोई मतलब नहीं 25% का, और इसका रेशियो 1/2 दिया, बोला पहले से डबल प्रॉफिट है, पहले वाला 1 होगा तो ये बहादुरों 2 होगा खत्म। हम बोले अच्छा पहला प्रॉफिट ये और ये 2, हाँ बस यही है सर, अब इधर आइए ये सेलिंग प्राइस माइनस 300 इतना नहीं कर लेंगे बादरो, इतना नहीं कर लेंगे क्या, और ये क्या हो जाएगा 300, बस आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बादरो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो खत्म, आंसर आ गया सर ये क्रॉस पूरा क्या करे 1.2 एसपी और ये माइनस का 300 और ये सर क्या करे हम बोले 2 एसपी और माइनस का 600, कैलकुलेशन मत करना सर, ये बताओ 2 है ना 2 में से 1.2 जाएगा क्या होगा, बोले 0.8 एसपी बचेगा और 600 में से 300 जाएगा क्या बचेगा 300, और यहाँ से एसपी जब कटाओगे तुम लोग तो 300/0.8 का मतलब 8/ कितना हो जाएगा बोलो 10, और ये कैंसिल करोगे कितना होगा 375, तो जो आपके सेलिंग प्राइस होंगे बहादुरों वही पूछा गया था, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 375, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। तो हलवा टवल है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है, और बता दो ये भी सवाल आपके SSC CGL से CPO से उठाया गया सवाल था, CPO में शायद 12 फरवरी 2019 को पूछा गया सवाल था, वहीं से उठाया था वो सवाल देख लो, खाली डेटा चेंज कर दिया था, ठीक है, मैक्सिमम सवाल आपके प्रीवियस सर के उठाए गए थे SSC वाले, ध्यान रखना ठीक है, क्योंकि हम लोग SSC से कोई इतने लंबे समय से पढ़ा रहे हैं तो हम लोग को पता है, मुझे तो डेटा था उसका याद रहता है SSC का, इतनी बच्चे SSC पढ़ा चुका हूँ सब पता है क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, ठीक है, इसलिए आप जब देख रहे होंगे मैं CSAT जब आप लोगों को यूट्यूब पढ़ा रहा था मैं SSC के मेंस का सवाल ज़्यादा रख रहा था वहाँ पे, बस कारण यही था हमको पता है आपके CSAT वाले करते क्या है। ये ज्योमेट्री का सवाल है, कोई बच्चा इसको मेंसुरेशन का सवाल बोल रहा है लेकिन नहीं, एक्चुअली पॉलीगन जो पढ़ना रहता है ज्योमेट्री का एक 5वां पार्ट है ज्योमेट्री पॉलीगन है ना, वही सवाल ही पूछा था, कोई बच्चा मेंसुरेशन में इसको समझ सकता है लेकिन है ज्योमेट्री का सवाल, बड़ा हलवा है दिखा दूं आ जाओ, बोला इंटीरियर मतलब अंतःकोण जो है ना वो बाह्य कोण के 4 गुने से कितना ज्यादा बेटा, वो सर 30 ज्यादा है, बोले इंटीरियर एंगल को आई से दिखा रहा हूं ठीक है, एक्सटीरियर एंगल को ई से दिखाऊंगा है ना, एक्सटीरियर एंगल को ई से 4 गुना, तो 4 गुना से कितना ज्यादा 30, बताए हलवा एकदम हलवा टाइप देख लो ना, एक दो लाइन में आंसर, इंटीरियर एंगल मतलब अंतःकोण, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण, यहां से बोल दिया, लेकिन एक बात आपको जानना चाहिए कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है, अब यह बात तुमको समझाने के लिए हम थोड़ा समय लेना चाहेंगे, क्यों ना लेंगे सवाल, ए क्यों नहीं लेंगे, रुको जाओ यहां पे देख लो,
हम मान लो एक पेंटागन बना रहे हैं, कोनागन बना लो भैया, कोनागन दिक्कत नहीं है, पेंटागन बनाओ, हेक्सागन, चलो हेक्सागन बनाते हैं, डन आ जाओ, हम बोला गया। तो यहाँ पर तुम मुझे बताओ, यहाँ किसी भी जगह खींच लेना, खींच लेना। ये हो गया क्या बेटा, ये क्या हो गया, देखो तुम लोग, सर ये जो हो गया ना, ये हो गया अल्फा इंटरनल, और ये जो कौन होगा ना, ये जो होगा ना बेटा, ये बाय कौन होगा। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन पर कितना एंगल बनता है, 180 नहीं बनता है, तो ये अंदर अल्फा कौन और ये जो दोनों कौन है, इन दोनों को मिला देंगे तो ये बाय कौन प्लस जो ये इंटरनल एंगल है, दोनों का सम 180 नहीं होगा। तुम किसी भी लाइन पर ड्रॉ करके देख लो, तो वही बात है कि इंटरनल एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 180 होता है, ध्यान रखना। तो इसको मैं समझा दिया अलग से, ज्योमेट्री के जितने सवाल पूछे थे ना, कैलकुलेशन कम था, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा था, इसलिए वो जल्दी बन जाता है सवाल, बस अर्थात आपको एक बार आना चाहिए था, इसलिए मैं वहां पे इसका थंबनेल में लिखवाया हूं, सबसे फास्टेस्ट अप्रोच। पता नहीं कोई कोई आपको डिटेल सॉल्व करके देगा, एक एक पेज का उतना सोल्यूशन दिया जाता है क्या है? और खार के सीजी वाले बच्चे तो बिल्कुल नहीं, सीजी वाले बच्चे अपने होशियार है, सर आई के जगह पर इसको रख दो ना, हम बोले रख देते, तुम लोग बोल रहा तो यहाँ पे रख दो, हम बोले 4e प्लस 30 डिग्री और ये एक और ईओ है, हम बोले हाँ एक और ईओ मिलेगा, 180 हो गया, हम बोले हाँ 4 और ई एक फाइव हो गया कि नहीं, बोलो 4 प्लस 1 5 है, तो 5 ई बराबर सर 30 क्यों नहीं घटा दिए, बोले घटा देंगे ना यार 150 आ जाएगा, हम बोले सर इसको बताओ ना, हम बोले क्या एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा, हम बोले अरे यार ये तो 30 डिग्री हो गया, हम बोले हाँ तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, बोलो 30। लेकिन ईच एक्सटीरियर एंगल पता क्या होता है, फॉर्मूला आता है कि एक्सटीरियर एंगल का मतलब टोटल एक्सटीरियर एंगल कितना, 360 होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है बेटा है ना, वो क्या होता है, अरे सर वो 360 डिग्री अपन नंबर ऑफ भुजा होता है सर, नंबर ऑफ भुजा होता है, हम बोले अच्छा इसका मतलब ये दिया हुआ है 360, तो भुजा तो निकल जाएगा, और भुजा निकल जाएगा तो डायगोनल को तो तुम ऐसे खत्म करोगे ना कि जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको दोबारा। हाँ सर इसको निकाले 30, हम बोले अच्छा तो ये भी तो दिया 360 डिग्री और अपन क्या होगा नंबर ऑफ भुजा, तो सर ये कट जाएगा 12, मतलब भुजा तो पता चल गया सर, जिस पॉलीगन की बात कर रहा है उसका 12 भुजा है, तो नंबर ऑफ डायगोनल तो सबको पता है, नंबर ऑफ डायगोनल यानी विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बेटा है ना, वो भी परमोटेशन कम्बिनेशन उसको प्रूफ भी करना पड़ता है, ठीक है चलो। नंबर ऑफ डायगोनल याद के फॉर्मूला n इंटू n माइनस 3 और डिवाइड बाय कितना होता है बेटा 2, तो n कितना निकल गया 12, चिपका दो ना, चिपका दो तो सर ये हो जाएगा 12, और देख लो सर 12 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 9, और डिवाइड बाय कितना होगा 2, 2 से कराओ 6, 9 6 का कितना हो जाएगा 54, तो सर नंबर ऑफ डायगोनल जो होगा 54 होगा, ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो खूबसूरत सवाल है और आप बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज था, बाकी अगला बढ़ता, अगला सवाल क्या देख लेते हैं एक बार। ये पार्टनरशिप का सवाल है और मेरे हिसाब से पार्टनरशिप के है ना, इसमें तो नहीं एसआई के मेंस में प्रीलिम्स के लिए पढ़ाया था, इसमें तो टाइम ही उतना नहीं मिल पाया था, बहुत कम समय मिला था, 18 लेक्चर पढ़ाया था मैंने मेन मेन टॉपिक को। एक सवाल यहां पे पूछा गया है, एक बार देख लेते सवाल आखिर क्या है, बट डटे रहिएगा, मैं पार्टनरशिप की बात में बताता हूं। पार्टनरशिप एक बिजनेस आधारित टॉपिक है, क्या है, पार्टनरशिप एक बिजनेस आधारित टॉपिक है, और सिंपल बात है कि पार्टनरशिप में बात होगी प्रॉफिट का, मैं जो बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा मैं बताता हूं, बात होगी प्रॉफिट का, और प्रॉफिट जो निकलता है बेटा समझ लो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तुम किस पैसे को बिजनेस में लगाओ, बैंक में लगाओ, कहीं भी लगाओ, कितना पैसा लगाए और कितने दिन तक लगाए, ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है, समझे कि नहीं, ये दोनों महत्वपूर्ण बात है, इसी का प्रोडक्ट क्या होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जब भी निकालेंगे देखिएगा है ना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, जो कितना पैसा लगाए कितना दिन तक छोड़ दिया। दूसरी बात, पार्टनरशिप में बड़ा इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं तुम लोग, जब चाहो बिजनेस छोड़ के चले जाओ, जब चाहो बिजनेस में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो सिखाते हैं बराबर से, बोला तो ध्यान से पढ़ना सवाल, ये बोला P, ये हो जाएगा तुम्हारा P बोला है, ये Q बोला है, देख लो एक लाइन बस सवाल में देखता, सबसे पहले कि तीन पार्टनर है, तीनों का इन्वेस्टमेंट दिया है, तो सबका जीरो तुम चाहो तो हटा कर रेशियो बना सकते हो। बोला पी ने सर 1,12,000 जो भी लगाया था, ये क्यू ने कितना लगाया था सर 80,000, और आर ने कितना लगाया था 72,000, और बाद में 8,000 निकाला। हम बोले सबका 3,3,0 हटा दो लास्ट से, इससे फायदा क्या होगा जानते हो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। हम और भी हटा सकते थे लेकिन थोड़ा आप लोग अभी पूरी ट्रेंड नहीं हो, इस वजह से थोड़ा सा रिस्क मत लेना, अभी रुक जाओ ठीक है, इसको तो प्रॉफिट छोड़ दो, प्रॉफिट छोड़ दो इन्वेस्टमेंट का। सीधा बात, सबको हम 1,000 के 3,3,0 हटा दिए, बाद में चिपका देंगे उसमें, कौन सी बड़ी बात है, समझा कि नहीं। चलो देखते रहना बस। बोला पी ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, मान लो 112 रुपये लगाया, और जैसे लगा उसके 2 महीने बाद क्यों बोला हम भी बिजनेस में आना चाहेंगे, बोला आ जाना भाई कोई बात नहीं है, कितना, तो सर हमारे पास 80 रुपया है। उसके 2 और महीने बाद यानी 4 महीने बाद बोलता है यार भैया हमको भी बिजनेस में रख लो, हम भी आना चाह रहे हैं, पार्टनर बन के 72 रुपया लेकर के आ गया, वो 1,000 मत बोलना, 0 हटा दिया हूँ। हाँ बोले उसके बाद, तो जैसे 10 महीना बिजनेस में कंप्लीट हुआ ना, तो क्यू और आर जो बाद में आए थे बोला भैया हमको पैसा निकालना है। हम बोले कितना निकालोगे, सर ये 18 रुपया निकालेगा, 8,000 को 8 बना दिए 3,3,0 हटा करके, ठीक है, तो ये भी 8 रुपया निकाल लिया, भी 8 रुपया निकाल लिया,
अच्छा, और यहाँ पर देखो सबसे लास्ट में बोला एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, मतलब टोटल एक साल का बिजनेस चला है, साल के अंत पता चला कि सर क्यू को जो प्रॉफिट हुआ है बिजनेस से 11,900 हुआ है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा। हम तो एक ही बात समझते, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। चलो इधर आओ, देखते रहो सर, ये 112 लगाया और इसका पैसा पूरे 12 महीने तक रहा, क्योंकि ये बाद में पैसा ना निकाला है ना पैसा बाद में डाला है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, 112 रुपया पूरे 12 महीने, तो बिजनेस शुरुआत तो यही किया था, बाद में थोड़ा आया था, पहले यही किया था। अब क्यू के बारे में बात करता हूँ, क्यू पर यहाँ पे देख लो सर, ये लगाया है 80 रुपया और बेटा 2 महीने बाद आया, तो 10 महीने तक जब हुआ तो 10 महीने तक ये पैसा रखा है, लेकिन नहीं सर 10 महीने रखा है, स्टार्टिंग से 10 महीने का मतलब हुआ इसका 8 महीना, क्योंकि 2 महीने बाद ना आया था सर। हम बोले हाँ, यही बात समझाना चाह रहे थे, अगर 10 महीने बाद बोला लेकिन ये खुद ही जो है सो 2 महीने बाद आया, मतलब ये 80 रुपया इसका मात्र 8 महीने तक रहेगा, और 8 महीने में क्या होगा, ये 8,000 रुपया निकाल लिया, तो बेटा 80 रुपया तुम्हारा था, अब 8 रुपया और निकाल लिया, तो अब तेरा पैसा रहेगा कितना, 72 रुपया, और ये 72 रुपया अगला 2 महीने तक रहेगा, क्योंकि 10 + 2 महीना 12 महीना होगा, ये 10 महीने तक कहानी है, पूरा 1 साल का बात कर रहा है, मतलब 2 महीना भी और बचा था, तो अगला इसका 72 रुपया ही बैंक में 2 महीना तक रहेगा। कोई माइनस प्लस मत करो, तरीका बताओ, सबसे आसान तरीका सीख लो। हम बोले हाँ, हो गया सर, ये 2 महीना और एनरोल 4 महीने बाद आया, 10 महीने जब कंप्लीट हुआ उसमें इसका 6 महीना कंप्लीट हुआ होगा, क्यों तुम 4 महीने बाद आए और लाया कितना तुम, अरे सर ये तो 72 रुपया लाया। हम बोले अच्छा, और रहा कितना, मात्र 6 महीना। अब 72 रुपया हुआ जैसे रखा था, 10 महीना हो गया, 8 रुपया और निकाल लिया, अरे भैया 72 8 तुम निकाल ही लिया, तो 64 रुपया बचा तुम्हारा सर, इसका 64 रुपया अगला 2 महीने तक रहेगा, देख लो। अब यहाँ से कट्टम पिट्टी मचाना, क्योंकि आपको निकालना है रेशियो, और रेशियो क्या होता है बेटा, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म। हम बोले हाँ, ये बात तुम लोगों ने बिल्कुल सही बोला, आओ कट्टम पिट्टी मचा दे, सबसे पहले 8 से कटाओ। हम बोले हाँ, 8 * 8 = 32, ठीक है। हम बोले हाँ, अब से सर ये 8 से कट जाएगा, सर ये 8 से कट जाएगा। हम बोले कितना बार में, सर ये 8 से कट जाएगा 9 बार में, गुड। सर ये 8 से कर, सबको कट जाएगा, 8 * 9 = 72, ये 8 * 8 = 64। अभी 2 से कराओ। हम बोले भाई 2 से कट जाएगा 3 बार में, देखते रहना सर, ये 2 कट जाएगा और ये 2 कट जाएगा कितना बार में, 40 बार में। सर ये 2 करा दो ना 7 बार में, ठीक है। तो सर ये बढ़ सकते 84 अनुपात, देखते रहना बेटा अनुपात, देखना कैलकुलेशन, 2 लाइन कैलकुलेशन होता है सर। यहाँ पे 40 + 9 कितना हो जाएगा सर, ये 49 हो जाएगा। हम बोले अच्छा, इसका बोलो सर 27 और 8 कितना हो जाएगा, हम 27 8 हो जाएगा 35। हम बोले देखो सबका आ गया, हम बोले हाँ आ गया, तो यही हो जाएगा टोटल सबका प्रॉफिट। सर टोटल प्रॉफिट जोड़ोगे, हम बोले जोड़ देते हैं, देखो यहाँ पे 8 7 15 और ये 8, ये 7 8 15 150, और ये हो जाएगा कितना सर, ये 9 5 14 और ये कितना हो जाएगा 4 68 18 का मतलब 168, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 168। लेकिन सवाल क्या दिया बताऊं, बोला सर क्यू को प्रॉफिट हुआ इतना। हम बोले क्यू को प्रॉफिट हुआ 49, तो यहां से देख लो एक बार, ये बेटा 49 का मान तुमको कितना दिया है, कितना दिया बेटा बोलो सर, 119 पर कितना 00, तो यहीं से निकालो ना, तो सर 168 का मान क्या होगा, तो यहां पहले एक का मान क्या निकालोगे सर, ये एक का मान निकालने के लिए ना इसको 49 से भाग देना पड़ेगा, मान दो कि नहीं बात, हाँ। तो 168 का मान कैसे निकलेगा, हम बोले अरे एक का मान 119 00 पे डिवाइड बाई कितना बोलो 49, और हमको 168 का मान के लिए 168 से गुना कर देंगे। सर कैसे कटेगा, हम बोले अभी देखो कट्टम पिटी कैसे मचाता हूँ, देखते रहना बस, कट्टम पिटी कैसे मचेगा, 7 और 7 से कटाओ। हम बोले 7 * 2 = 14 और 7 * 4 कितना हो जाएगा, 7 * 4 = 28। सर 7 से कटाओ, हम बोले कितना, 7 * 7 = 7, ठीक है, और 77 * 49 और 00, तो क्या होगा। हम बोले कुछ नहीं, 17 से गुना करो ना यार, सर ये 0 0 देखते रहना ना, 17 * 4 = 68 कैरी हो जाएगा 6, और 17 * 2 = 34 और 6 मतलब 40, तो सर 40,800 जो है सो टोटल प्रॉफिट हुआ होगा बिजनेस से, देख लो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी बहुत हो सकता है, लेकिन वही है कि कैलकुलेशन आपकी थोड़ी प्रयास कम, प्रैक्टिस भी कम रहता है एक्चुअली आप लोगों का, क्योंकि जीएस इतनी बड़ा सिलेबस रहता है, इसलिए बाकी डिफिकल्ट सवाल नहीं बोल सकते। कल एक बच्चे से मैं बताऊं, कल एक मैं क्या कि पेपर जब हुआ तो मुझे रहा नहीं गया, तो मंगला चौक में खड़ा हो गया बिलासपुर में ना, कोई आएगा थीसिस पेपर मैं लूंगा, हो सकता है बच्चा ये वीडियो देखेगा भी, वैसे हमको एक यूट्यूब पर ही बच्चा पढ़ता है, मतलब उसको हम जानता हूँ, तो उसको मिल गया, हम उसको जबरदस्ती बुलाया, बोले भैया थोड़ा क्वेश्चन दे दो यार, है ना क्वेश्चन दिखाओ, तो बच्चा बड़ा फ्रस्ट्रेट था, बस सर बहुत टफ आ गया नहीं बन रहा था, तो हम समझ रहे थे कि एक्चुअली पेपर कॉन्सेप्चुअल है और बच्चे की थोड़ी प्रैक्टिस भी कम रहती है और उतना समय भी कम देते हैं स्वाभाविक, ऐसा नहीं कि आपका दिमाग तेज नहीं है, दिमाग आपकी बहुत तेज है, ये बात हम जो ऑनलाइन पढ़ा रहे थे उसमें देख लिए थे, प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कम थी इसलिए, और कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है।
चलिए देखिए यहाँ पे कितना हलवा टाइप का सवाल सिलेंडर का पूछा है। देख लो यहाँ पे बोला गोले का त्रिज्या में बेलन के आधार की त्रिज्या के बराबर है और आगे बेलन के आधार की त्रिज्या और यहाँ पर कितना दिया ऊंचाई कितना दिया सात, तो कोई रेडियस तो सात दिया हुआ, हाइट कितना दिया बेटा बोलो सर नौ, और याद रखा दोनों का रेडियस बराबर होगा, ये रेडियस इसका भी और इसका भी बराबर होगा। क्या रेशियो पूछा था सर? गोले का आयतन और बेलन के आयतन का। बेटा कितना आसान है यार, ये वॉल्यूम किसका पूछा था सर? स्पेयर का, और ये वॉल्यूम पूछा था किसका सर? सिलेंडर का। देखो बेटा कितना आसान, इसका क्या होता है बोलो सर? ये 4/3 ये पाई और ये आर का क्यूब। देखो यहाँ पे देखते रहो सर, ये होता पाई ये आर स्क्वायर एच। मुझे बताओ, नहीं मुझे बताओ आंसर नहीं आ गया। अब इसको कोई बोलेगा डिफिकल्ट है, नहीं पाई से बेटा पाई खत्म हो जाएगा, डन सर। ये आर से ये कर जाएगा, यहाँ से सिर्फ आर बचेगा, बहुत बढ़िया रहने दीजिएगा। ये 4/3 और ये आर का मान हो जाएगा 7 और ये सिर्फ यहाँ पे क्या बच रहा सर? यहाँ से सिर्फ 9 बचेगा। फायदा क्या होगा? देखो ये 9 उधर चला जाएगा तो सर 7 * 28 अनुपात कितना होगा? 9 * 27 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सवाल में करना था ऑप्शन नंबर क्या सी जो राइट आंसर। मतलब आसान सवाल खोजने में थोड़ा सा आप लोग थोड़ा बहुत मुझे लगता है संघर्ष कर रहे थे, इसलिए पिछले साल से इस बार सी सेट का सवाल आसान आया था, आसान था पिछले साल से। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे बाहर हो कुछ ये आ गया। अब देखो ये सवाल की एक लाइन का सवाल पूछा इन्होंने, ये एक लाइन का सवाल है, अगर आप देखेंगे तो एक ही लाइन में खत्म कर देते हैं। आपको मैं जो एवरेज भी पढ़ा रहे थे, मैंने तीन टाइप का सवाल कराया था। देखो कितनी अच्छा खूबसूरत सवाल पूछा, बोला कोई व्यक्ति 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, मतलब इसकी स्पीड दिया हुआ है, बोला वह समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाता, मतलब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। अगर वह 56 की स्पीड जा रहा था तो टाइमली पहुंचता अपने जगह पर, बहुत बढ़िया। बोला वह समय वह 5/9 समय में अपनी यात्रा का 1/3 हिस्सा है ना, 1/3 हिस्सा तय करता है। अब यहीं पर तो बच्चे को दिक्कत होने लग जाएगा, 5/9 टाइम का मतलब टोटल तुम मान सकते हो इसको 9 घंटा, मान लो टोटल टाइम इसी को 9 घंटा, सवाल को हमको एक लाइन में करना है, इसलिए बात कर रहा हूं बादरों। ये एक्स वाई मान मान के कब तक तुम लोग रहोगे यार, समझो। नीचे वालों को हमेशा मैं फ्रैक्शन में बोलता हूं कि उसको टोटल मान माना जाता है, तो हम मान लिए 9, मतलब टोटल 9 घंटा में 5 घंटा ही चल चुका है, तो हमको टोटल दूरी तो दिया ही नहीं कहीं भाई, दूरी दिया ही नहीं है। और सबसे बड़ा सर समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए शेष दूरी को तय करने के लिए उसका जो स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो बेटा पहले दूरी तो निकालो, शेष दूरी तो बाद की बात है। सर कैसे निकलता है? हाँ हम बोला याद दिलाऊं, हाँ सर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू कितना टाइम, तो बेटा स्पीड तो दिया है और टाइम तुम कितना मान लिया था, टोटल 9 को मान लिया था, तो डिस्टेंस तो थोड़ा निकल जाएगा। हम बोले कैसे? अरे सर ये हो जाएगा कितना 56 और टोटल जो टाइम है वो 9 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। मान गए तुम लोग? हाँ सर मान गए, लेकिन 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 रुको, अभी तक ये 1/3 का क्या मतलब है? ये 1/3 पे तुमने ध्यान नहीं दिया था क्या? 1/3 का मतलब ये हुआ सर कि टोटल 3 अगर दूरी होगा, 3 में से एक दूरी चल चुका है तो कितना बचा है? अरे सर 2/3, 3 में से 2 बचा है, मतलब रिमेनिंग दूरी तो तुमको पता चली गया। अब तुमको स्पीड चाहिए, आ गया आ गया आ गया आ गया आंसर आ गया बहादुरों एक लाइन में। सर टोटल दूरी आपने माना था 56 × 9, हाँ लेकिन बचा हुआ दूरी कितना, ये टोटल का कितना सर? 3 में से 1 चल गया, मतलब का चलना कितना बेटा 2, तो सर टोटल दूरी का 2/3 है सर बचा हुआ दूरी, ये हो जाएगा सर दूरी, और हमको स्पीड चाहिए इसके लिए, हमको टाइम से भाग देना पड़ता है बेटा। टाइम से कितना टाइम? अरे बचा हुआ दूरी चाहिए तो बचा हुआ टाइम लो ना। तो सर देखो 9 में से 5 घंटा चल ही चुका था, तो बचा कितना होगा 4 घंटा ना, तो इसको जब 4 से भाग देंगे ना तो खटखटली पड़ जाएगा। देखो देखो यहाँ पे सर ये 3 से कट जाएगा 3 बार में, सर 4 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 से कट जाएगा कितना बेटा बोलो सर? 28 बार में, और 28 दिया कितना था 84, तो बचा हुआ जो चलने के लिए तेरा स्पीड कितना 84 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या बोलूँ बोलो, एक लाइन का सवाल नहीं है, देख लो एक बार है ना। अगर ये सोल्यूशन तुमको अच्छा लग रहा हो अपने दोस्तों जरूर बताना, और YouTube पर अगर एक लाइन का सोल्यूशन देखना हो तो आप मिथुन सर का वीडियो जरूर देखो YouTube पे जाकर के, कॉम्पिटिशन कमिटी पे जाकर, ठीक है देख लो एक बार आप। एक लाइन का सवाल था, आंसर आ गया 84, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी है, ठीक है सीधा सीधा बात। तो सब कुछ मानने पर है, मानने के तुम कुछ भी मान सकते हो अपना, ठीक है। एक हलवा DI आ चुका है, बात कर ले बेटा, बात कर ले क्या एकदम हलवा DI, आइए बात करते हैं। क्या है चेक कर ले जाए। सवाल बोला सर देखो ध्यान से पढ़ो टेबल को, हम बोले आंसर दो क्वेश्चन को, हम बोले पढ़ लिए। बोला सर देखो टेबल क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ रन स्कोर बाय क्रिकेट प्लेयर्स है ना, डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट अलग अलग साल में, अलग अलग जो है सो साल में अलग अलग कंट्री ABCD दिखा दिया है, और प्लेयर्स ने कितना कितना रन मारा। बोले मार देते रुको हम लोग भी रन। बोला सर रेशियो पूछा, बोले रेशियो पूछे ना बड़ा अच्छा लगता है, रेशियो का सवाल ना जल्दी होता, बताऊं मजा आता है रेशियो सवाल करने में, ये सच बताऊं तो। देख लेते हैं, बोला सर टोटल रन का रेशियो बताओ किसके किसके द्वारा? सर प्लेयर ऑफ कंट्री ए, ए के द्वारा कितना सर 17-18 में, और एंड 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 सी के द्वारा कितना सर 18 और 21 में। अब रुको पहले इतना कर लो, पहले यहां पर ए और सी को एक साथ रखना बेटा, ए और सी को एक साथ रखना, रुक जाओ ए का पहले जोड़ लूं। सर ए का कौन कौन साल? बोला 17 और 20, रुको यहीं पर गलत करता हूं,
ध्यान है क्या बोला हमने, सावधानी हटी तो खीर पूरी बटी। मैं बार बार समझाता हूँ तुम लोग को। तो 17 क्या देखो ना यहाँ पे, ए में 17, सर ए में 17 कितना हो जाएगा 52, और यहाँ पर कितना होगा बेटा, सर ये बोला सर 20, 20 में कितना हो जाएगा बोलो 73। तो ये दो 7 5 12 12 और कितना हो जाएगा बोलो 5, 125। हाँ तो ये हो जाएगा कितना 125। यहाँ पर देख लिया हम बोले हाँ। फिर देख रहा हूं ए का 17 और 20 में जोड़ लिए सर, दोनों को जोड़ करके 125। इसी में आप बोला सी को जोड़ लो, सी में कब कब 18 21, सर सी में बोले 18 18 बोले तो 72 और 21 बोले तो 92 जोड़ लें। सर 9 और 4 का मतलब 130 हो जाएगा और ये 4 134, तो सर ये हो जाएगा 134। रेशियो देखते रहना बेटा, रेशियो देखते रहना। सर जोड़ दो ना, हम बोले जोड़ देते हैं यार, तुम लोग बोल ही रहा तो हम जोड़ देते हैं, लो ये हो जाएगा 259। अब बोला सर टोटल रन किसके द्वारा, बी के द्वारा 19 और कितना, सर ये 19 और 21 में बी कहाँ है यहाँ पे 19, 19 का बोले तो सर ये 84 और ये 21 बोले तो बेटा 55 जोड़ लें। सर 130 प्लस 9 139, तो यहाँ पर बी लिया जाएगा और डी लिया जाएगा, तो बी को सर आएगी 139। समय आप बचा सकते हो सिर्फ जोड़ने में, जितना जल्दी जोड़ लोगे ना, डीआई का मतलब एकदम हलवा होता है, फर्जी होता है, ठीक है। सर डी का बोलो ना, बोले सर डी का 18 और 20 बोल रहा सर, तो डी आ जाओ बेटा 18 यहाँ पर हो गया, 20 हो जाएगा यहाँ पर जोड़ ले, हम बोले हाँ 8 7 15 और ये 7 157, इसको भी जोड़ लिया जाए, हम बोले हाँ 9 और 7 16 का कितना हो जाएगा 6 कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है 8 और ये कितना हो जाएगा 9 और यहाँ से बोले तो सर ये हो जाएगा कितना 2, तो जब इसको हम जोड़ेंगे ना 37 से कराओ 37 7 और 37 8 तो आंसर क्या हो जाएगा 7:8, कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। तो एक आसान सवाल का अंत होता है, आइए कुछ और देखते हैं खूबसूरत सवाल आपके स्क्रीन पे आने को बेताब है। बस इतना करना है दोस्तों, तो जितना पहुंचा सकते हो सी सेट का ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचा जरूर दीजिएगा, बस इतना सा रिक्वेस्ट होगा। इस पे एक और सवाल है, बोला सर कौन सा कंट्री जो है सबसे ज्यादा जो है सो स्कोर किया पांचों में, तो ये टुगेदर, हम बोले टुगेदर की बात करो बेटा, रुको हम जोड़ देते हैं इधर उधर, रुक जाओ टोटल जोड़ोगे यहां पे जोड़ दें, यहां पे जोड़ने तरीका सर यहाँ पे 6 5 11 और 7 11 ग्यारह ग्यारह कितना हो जाएगा सर 22 और 5 कितना हो जाएगा सर 27 में 270 और यहाँ पे सर 5 और 5 5 5 और ये इधर 15 20 और ये कितना हो गया 2 22 मतलब सर 292, ठीक है ये 292 देख लो, बी का जोड़ ले, हम बोले हाँ जोड़ लो 8 5 13 13 और 8 21 21 और एक ना 22 22 5 कितना हो जाएगा सर 22 और 5 270 और यहाँ पर कितना हो गया सर 5 और ये 4 9 ये 14 4 18 18 और ये 10 28 मतलब ये हो जाएगा 298, देखते चलना बेटा है ना सर, ये इसको भी जोड़ ले, हम बोले जो बच्चा सामने जोड़ देता हूँ, हालांकि जोड़ने बहुत डिफिकल्ट चीज़ तो है नहीं सर, ये 10 हो जाएगा और ये 10 20 और ये 9 29 मतलब 290, ये 5 और 5 10 और 2 12 मतलब 302, ठीक है। अब इसको ये 302 सी का 302 डी का जोड़ दो, बोले जोड़ लेते हैं इधर आओ 7 6 13 3 13 13 13 और कितना हो जाएगा 11 सर 24 और 4 28 280 15 और ये 5 20 मतलब सीधा सीधा हो जाएगा 300, तो सबसे हाईएस्ट किसका सर सी का है, देख लो कंट्री सी का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा सी। तो ऐसे ऐसे जोड़ना था, बताओ वही है कि प्रेशर में मत आइए पेपर में ना, हम तो बता ही रहे सी सेट का पेपर पिछले साल से इस बार आसान दिया था उन्होंने, बट थोड़ी बहुत आपकी घबराहट वो जो हम समझ सकते हैं, और टाइम नहीं मैनेज हुआ एक्चुअली, टाइम थोड़ा सा मैनेज लेकर के ध्यान रखना। मैंने पहली क्लास में बोला था देखो 18 में डीआई में 13 क्वेश्चन पूछा था, पिछले साल 4 ही पूछा, ज्यादा पूछेगा यार, तो इस बार तुम लोग करके गए थे तुम लोग, अच्छी बात है, पहला वीडियो लगभग 5,500 ज्यादा बच्चे ने देख चुका था, मैं देखा था। अब क्या है बोले सर ओडीआई, हम बोले ये पाई चार्ट में एंगल पे बहुत बात किया था मैंने बहादुरों, एंगल पे मतलब बात है तो परसेंटेज में देगा या तो एंगल में देगा, यहाँ पे एंगल में दिया है, एकदम हलवा हलवा टाइप का सवाल है, बताऊं बोला सर पढ़ लो, हम बोले पढ़ ली बताओ, बोला टोटल नंबर ऑफ पेज कितना 2520, हम बोले नहीं टोटल 2520 नहीं है, एंगल को जोड़ेंगे 360 होगा, हम बोले हमारे हिसाब से टोटल जो है सो 360 होना चाहिए, और ये बोला नहीं सर ये 2500 कितना है 20 है, 0 0 कटाओ 36 से 7 बार कटाओ, सर एक का मान कितना होगा 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बहादुरों 7 होगा, एक का मान 7 हलवा खत्म सवाल, बोला डिफरेंस बोलो, हम बोले इसका D2 और D4 का, हम बोले D4 कहाँ बेटा बोलाओ सर D4 है यहाँ पर 58 डिग्री सर D2 कितना 77 डिग्री सर इसका डिफरेंस कितना होगा 19 डिग्री नहीं होगा, तो सर 19 डिग्री का मान निकाल देंगे, हम बोले हाँ निकालो ना, तो 19 7 कितना होता है भूल गए क्या तुम लोग सर 133 होता है, 19 7 33 से आंसर कहाँ ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर खत्म। आइए आगे बात करते हैं, अगला सवाल आपके खूबसूरत आपके स्क्रीन पे, ये सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव था प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है ये सवाल थोड़ा सा उन्होंने कैलकुलेटिव रख दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी है ना, सावधानी हटी तो खीर पूरी बटी, ध्यान रखना इस बात को, ये एक अच्छे सवाल थे, ठीक है चलो चेक कर लेते क्या है इसका।
बोला सर पांच नोटबुक, नोटबुक को एन मान लिया बेटा, समझ लो नोटबुक को हम यहाँ पर एन मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। सर ये छह पेन है, पेन को पी मान लिया हूं, ठीक है, और टोटल प्राइस कितना था 155। देखते रहिएगा क्वेश्चन एक, आगे क्या बोला, अगर हर एक नोटबुक की कीमत को ढाई रुपया से कम कर देंगे या माइनस कर दो, और पेन वाली कीमत को ना सर बढ़ा देंगे डेढ़ रुपया से, बोले सर इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, तो अब जो है सो आठ नोटबुक और सात जो है सो कलम का क्या होगा, ठीक है भाई। हम बोले अच्छा ठीक है, तो ढाई गुने आठ मतलब बीस, आ जाओ, तो कुछ नहीं करना, देखो यहां पे आठ नोटबुक, देखो यहां पे आठ नोटबुक और हर एक नोटबुक का कीमत ढाई से कम कर दिया, और इससे से आठ ढाई गुने आठ मतलब कितना कम होगा बीस, तो माइनस का बीस कर दी, ठीक है भाई समझो। सर अब ऐसे ऐसे सात पेन और हर एक पेन का बढ़ा दिया, कितना से बढ़ गया 1.5 से, डेढ़ से, और सात कलम है तो डेढ़ गुने सात मतलब 10.5 बढ़ गया है, प्लस का 10.5 बढ़ गया मतलब प्लस, और बराबर टोटल मान इसका कितना हो जाएगा 219। देखते रहिएगा, एक लाइन बताओ ना, ये 10.5 प्लस में और ये 20 क्या हो जाएगा माइनस में, तो 20 में जब माइनस 20 में अगर 10.5 घटेगा 9 पॉइंट क्या बचेगा 5, लेकिन ये माइनस में रहेगा उधर जाके जुड़ नहीं जाएगा, बोलो देखो ना यार इसको ऑलरेडी सॉल्व करो, यहाँ पे माइनस 9.5 लेकिन ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से जान तो 8 नोटबुक प्लस 7 पेन का जो कीमत होगा देख लो 219 में बहा दे रहा हूँ। अब साफ साफ दे सकते हैं कि सर ये एक स्टेप में डायरेक्ट चुरा रहा हूँ, देख लो यहाँ पे माइनस 9.5 इसको डायरेक्ट दे दिया हूँ, तो 9 दे देंगे कितना होगा सर ये 228.5 होगा। मैं कैलकुलेशन कैसे किया बताता हूँ सर, 219 में से हम 9.5 इधर वाले को जोड़ दिए, 9.5 कहाँ से आया, तो माइनस 20 और ये प्लस 10.5 मतलब माइनस का 9.5 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बनने वाला है सर 228.5, ये मैं ओरल कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा दो, आओ पहले वाले नीचे चिपका दूं, आओ चिपका देते हैं सर, चिपका देते हैं बहादुरों लोग, चिपका देते हैं, प्लस का क्या हो जाएगा 6p बराबर 155, ठीक है, कुछ नहीं करना है, किसी एक को सॉल्व करो, इसी सॉल्व करता हूं सर, इसको ना इसको 5 से पूरे गुना कर दो, हम बोले हाँ कर दिए बताओ सर, इसको ना 8 से गुना कर दो, हम बोले कर दिए बताओ, तुमने और आता आगे कुछ बताओ सर, तो ये कट जाएगा ना, हम बोले हाँ कट जाएगा, 7 5 35 में सर अच्छा 48, अच्छा 48 में 35 चला गया, क्या बच गया सर, ये बचेगा क्या 13p, कैलकुलेशन देख लो यहाँ पे 5 से गुना कर दूं, हम बोले हाँ, तो यहाँ से कैलकुलेशन चेक करता हूँ, 8 से 8 5 40 का 0 कैरी 4, 8 5 40 और 4 44 का 4 कैरी 4, और 8 और 4 12, 12 40 में से घटा देते हैं यहाँ पे क्या 5 से घटाओ, हम बोले 5 से घटाने का मतलब सीधा सीधा गुना करने का मतलब आधा कर सकते थे, हम बोले हाँ 8 5 25 का 5 कैरी कितना 2, और 5 40 और 2 42 का कितना 2 कैरी 4, 5 2 10 और 4 14 का 4 कैरी कितना हो गया सर 1, 5 2 10 प्लस है कितना हो गया 11, देख लो तो क्या 142.5 घटा लें एक बार, हम बोले घटा लेते हैं तो बचेगा कितना 97.5, देखो तो 13p जो बचेगा सर वो हो जाएगा सीधा सीधा बोलो सर 97.5, और जब 13 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 13 7 91 13 5 65, मतलब p का मान आ गया बहादुरों सर, p का जो मान आया वो कितना आ गया यहाँ पे देख लो सर, p का मान आया 7.5। अब तुमको क्या n का मान निकाल देना है, खत्म सवाल, बस ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटर 7.5 आया, कितना आया 7.5, यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे रख दो p का मान 7.5, तो सर n का मान निकल जाएगा, हम बोले हाँ निकल जाएगा, देखो सर ये 6 × 7.5 मतलब कितना हो गया 45 और बराबर 155, देखो ना 7.5 × 6 45, तो 5n जो यहाँ से निकलेगा बेटा 5n यहाँ से, देखो 5n बराबर क्या होगा सर 45 और घटा दो, बोले घटा दो ना घटाओ 45, तो क्या बचेगा सर 45 घटा देंगे 155 में से, तो बचेगा 110, ठीक है 110, तो सर 5 से कराइए, हम बोले 5 से करा देंगे, तो क्या होगा 22 5 110 होता, तो एन का मान कितना हो गया 22, तो एन भी निकल गया पी भी निकल गया, अब तो आंसर तुमको देना से कोई रोक नहीं सकता है। बोला सर 7 नोटबुक और 4 पेन का कीमत बताओ, हम बोले अच्छा ऐसा है, हम बोले लो बता देते हैं, लो बताते हैं यहीं निकाल देता हूँ यहीं पर, क्या क्या सर मुझे कीमत चाहिए 7 नोटबुक का, 7 नोटबुक का और कितना 4 पेन का, बेटा रख दो यहाँ पे 7 × 22 और प्लस 4 × 7.5 मतलब 30 हो जाएगा, तो सर ये 22 गुने कितना हो जाएगा सर 154 हो जाएगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा 30, मतलब आंसर कितना होगा 184। ये कैलकुलेशन था कि क्वेश्चन सॉल्व करवा था जानबूझ करके, बाकी सवाल के कॉन्सेप्ट में बहुत दम तो नहीं था, बट ये क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व करते हैं ये भी थोड़ा सा एक प्रेशराइज करने वाला बात था वहां पे, जो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको किए भी होंगे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए यहां पे बड़ा आसान सवाल है, एक हलवा टाइप का सवाल है, जिसको परसेंटेज के तौर पर आप देख सकते हैं, परसेंटेज भाई कॉन्सेप्ट है, एक लाइन का सवाल है, बताऊं एक लाइन का सवाल। बोला सर एक जो है सो चीनी और पानी का एक घोल है, जिसमें से जो है सो चीनी यानी शुगर जो है ना वो 36.4% है, टोटल 34 लीटर का मिश्रण है, उस मिश्रण में क्या है सर, सर पानी है और चीनी है, जिसमें से चीनी कितना है,
36 पॉइंट कितना सर 36.4%। आगे क्या बोला जानते हो, ए बॉयल किया, बॉयल बॉयल करने के बाद पानी उड़ गया, 8 लीटर पानी उड़ गया। हम बोले रुको बेटा, पानी उड़ जाने से चीनी पर क्या फर्क पड़ेगा यार, ए पानी उड़ जाने से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बोलो नहीं फर्क पड़ेगा ना, तो डाइट करो ना। फिर अब बोला सर चीनी बोलो सर अब कितना परसेंट लेफ्ट है, हम परसेंटेज बार बार बोले थे जिसको पूछेगा उसको ऊपर रख लेना और जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे रख देना बहादुरों। तो सर चीनी पूछा है, हम बोले चीनी पूछा है, रुको बेटा रुक जाओ सर, चीनी पहले 34 था, हम बोले हाँ 34 का 37.5 और परसेंटेज भी नीचे रख लो सौ, और हम बोले इसको ऊपर रख लो यही तो चीनी रहेगा, हम बोले हाँ, और सर टोटल कितना, क्योंकि टोटल नीचे रखते लेकिन 34 में से तो 8 लीटर तो उड़ गया, ए उड़ गया बहादुरों, तो अब कितना बचेगा टोटल सर, 34 घटा दो सर 8, 26 बचेगा, आंसर आ गया खत्म। देखो बस ऊपर में चीनी को रखना था, टोटल को नीचे, कई बार बच्चे टोटल में 34 रख देता रहे मेरे भाई, 8 जो उड़ गया उसको क्या करोगे तुम, है ना, और परसेंटेज चाहिए तो क्या कर लो, गुने 100 कर लो बेटा, तो ये 100 और ये 100 खत्म, क्योंकि नीचे आई ऊपर चला जाएगा सर, ये पॉइंट इधर ले आइए, हम बोले 10 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन की कैसे बारिश होने वाली है एक बार देख लो फटाफट से, सर 13 से कट जाएगा दो बार में, हम बोले हाँ 13 से कट जाएगा क्या, 13 से कटाऊँ, 13 × 26 और 13 × 7 नहीं कट रहा क्या, 13 से 36.4 है, कर तो रहा है 36.4 है, तो 13 × 14 से है ना सर, 2 से कराओ ना सर 14 बार में, ठीक है, तो सर खत गए, हम बोले हाँ अब क्या कुछ नहीं करना, अब 34 × 14 करके 10 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा, देखते हैं सर 14 × 56 = 6, कहीं 6 लास्ट में है कि नहीं, हैं कहाँ पर है देख लेते हैं, ये लास्ट में दिख रहा है 47.6 दिख रहा है, 14 × 56 = 6, कैरी 5, 14 × 42, 5 × 47 हो जाएगा बेटा, एक बार पॉइंट जितना देखो आंसर आ गया, डी देख लो ऑप्शन नंबर डी, आंसर यहीं से मार देंगे, पूरा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं था, ठीक है भाई, तो ये सवाल तो देख पा रहे सीधा सीधा भाई, भाई तुम इतना बोलो ना बस कि पानी उड़ जाने से चीनी पे क्या फर्क पड़ेगा यार, कुछ नहीं, तो चीनी को ऊपर रख दिए बस, ठीक है, ये पहले जो चीनी था उतना ही था। अब ये सवाल एक देखो, यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम का बहुत अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल बोल सकते हो इसको आप, है ना, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, देखिए क्या सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है, लेकिन मजा आ जाएगा सवाल करके, मजा आएगा अभी, देखिए सवाल कहाँ फंसाएगा तुमको, बोला एक्स और वाई एक टैंक को 10 और 15 घंटे भर सकता है, हम बोले रुक जाना बेटा, ये एक्स और वाई है, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा उससे बाहर जाना ही नहीं आपको, ठीक, टाइम दिया जाएगा, हम बोले हाँ दिया है, ये 10 घंटा ये 15 घंटा, इसका एलसीएम बोलो कितना हो जाएगा, अरे सर इसका एलसीएम यहाँ पे ले लो, हम बोले इसका एलसीएम बोले तो 30 हो जाएगा, यानी टोटल कैपेसिटी कितना होगा 30, सर इसकी एफिशिएंसी बोले तो ये 3 और ये कितना होगा 2, क्योंकि हम 10 से भाग दे दिए 3 बार में, 15 से भाग दिए 2 बार में, यानी कि सर एक्स और वाई का एफिशिएंसी आ गया, मतलब रफ्तार आ गया, ये अगर 3 यूनिट पानी भरता होगा तो ये 2 भरता होगा। अब आगे जब पढ़ेंगे तो एक और पाइप है जेड, गलती वहीं कर जाते, बोला सर एक जेड पाइप है, आउटलेट पाइप, बेटा आउटलेट का मतलब निकासी पाइप, मतलब खाली करने वाला पाइप, बोला सर इफ ऑल द 3 पाइप, सर तीनों मिल करके एक साथ चला दिया जाएगा ना, तो उसको सर 2 सही 1/3 घंटा ज्यादा लगे, किससे, बोला सर दोनों को मिला करके, लो एक्स और वाई का दोनों का कंबाइन टाइम से उसको इतना ज्यादा लग रहा है, तो यहीं पे तुम लोग गलत कर दिया होगा। अरे मेरे दोस्त एक्स और वाई का कंबाइन टाइम नहीं दिया है, कौन बच्चा देर से जोड़ दिया होगा, अरे सर 10 15 25, गलत। अगर हम यह सवाल पूछते कि ये दोनों मिलकर कितना देर टैंक भरेगा तो तुम क्या करता मेरे भाई, क्या करता, अरे सर हम करते ना सर क्या टोटल 30 है, अरे दोनों का एफिशिएंसी जोड़ देते, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 से भाग देते सर, तो दोनों मिलाकर 6 घंटा लग रहा है। तो यहां पर तुम लोग को 6 घंटे का कंपेयर करना था, ना कि दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते, तो ये आपको मान निकालना था, सवाल बोला नहीं सब जबरदस्ती निकालना पड़ता, यानी कि एक्स अकेले 10 घंटे वाई 15 घंटे दोनों मिल करके 6 घंटे में भरेगा, तो यहाँ पे नया सवाल एक जन्म लेता है, क्या देखो यहाँ पे कि एक्स और वाई सर दोनों मिल करके इस टंकी को 6 घंटे में भरेगा, तो अब तीनों मिल करके एक्स वाई और जेड जो है सो कितना देर में भरेगा, तो सर देखो 6 घंटा प्लस 2 घंटा प्लस 1/3 ज्यादा लगेगा, मतलब ये 8 सही 1/3 मतलब कितना 24 + 1 = 25/3 ज्यादा लगेगा, देख लो मतलब टोटल अब जो समय लगेगा, यानी कि तीनों मिल करके ये टंकी भरेगी बहादुरों, तो इसको लगेगा कितना 25/3, यहां पर अगर समझे कि नहीं बताओ मुझे, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, ये 6 कहां से आया, क्योंकि जब दोनों मिलकर करेगा ना बहादुरों 6 घंटे में लगेगा, और इससे इसको इतना ज्यादा मतलब 25/3, और आज भी याद रखे टोटल कैपेसिटी हम अभी भी 30 रखूंगा, यहां पर लिख दे रहा हूं टोटल कैपेसिटी आज भी हम 30 ही रखने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए बहादुरों। अब देखो आंसर कैसे आएगा, आंसर कैसे आएगा, 6 से भाग दीजिए ना सर, हम बोले हाँ तो एफिशिएंसी तो टाइम तो दिया था, हम बोले हाँ अब कैपेसिटी मत बदलिएगा, ये है ना वो रहने दीजिए सर, ये 5 होगा, हम बोले अच्छा यहाँ पे क्या करें 25/3, ए बेटा 25/3 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे रुक जाओ, ये हो जाएगा 90/ कितना 25, मतलब
पांच से बोले तो ये हो जाएगा 18 पंचे 90 और ये 5 मतलब 3.6। अगर इन तीनों की अगर एफिशिएंसी की बात करें कितना होगा बहादुर 3.6। यहीं पर ना आपको एक बार रुक जाना चाहिए था बहादुर, यहीं पर रुक जाना चाहिए था। रुको, दोनों मिलकर के 5 भरेगा लेकिन तीनों मिलकर के 6 भरेगा, 3.6 भरेगा। कम क्यों हुआ? क्योंकि जेड खाली करने वाला, भूलिए मत, खाली करने वाला एफिशिएंसी नेगेटिव होता है। मतलब सर 5 में घटाएंगे तो स्वाभाविक है जेड का एफिशिएंसी हमको 1.4 पता चल गया। देखिएगा इसकी एफिशिएंसी इतना से खाली करेगा। अब आखिरी लाइन में सवाल का आंसर आ गया, बस ये तो पता था। यहाँ पे इधर मैं रफ कर रहा हूँ, सबसे पहले इधर रफ कर रहा हूँ। बोला सर देखो, सबसे पहले एक्स और वाई को चालू करके छोड़ दिए, 3.5 घंटा तक भरता रहा। बोले अच्छा, इधर मैं रफ कर देता हूँ, देख लो एक बार, इधर इस साइड को रफ करूँगा, इधर वाला, इधर रफ कर रहा हूँ। वीडियो को एक बार पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, सॉल्यूशन डिफिकल्ट नहीं लगा, एक भी सवाल का आपको सॉल्यूशन डिफिकल्ट नहीं लग सकता, ये बात मैं चैलेंज करूंगा। ठीक है भाई, आ जाओ। बोला सर दोनों मिलकर भरा होगा, हमले एक्स और वाई जो है सो एक घंटे में कितना भरता, 5। देखो दोनों मिलकर 5 भरता है और भरा कितना है सर, यहाँ पे देखो ना, 3 गुना कितना 3.5 यानी 7/2, 7/2 भर दिया है, यानी कितना 35/2 पानी लोग भर दिया है। बहुत बढ़िया, इतना पानी भरा, इतना फिल हो गया। हम बोले अच्छा, अब जैसे फिल हुआ, बोला सर इन दोनों को इतना भरवाने के बाद ना क्या किया जान रहे हो? बोले बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अच्छा, अब ये दोनों भरने वाला था, दोनों भर के बंद हो गया होगा। अब जाएगा जेड, बोला सर बताओ जेड इस टंकी को कितना देर में खाली करेगा। यहां फिर से कॉन्सेप्ट आ गया, किसको खाली करेगा? कोई तो बचा वाला को खाली करा देगा। अरे मेरे भाई, काहे के बचा हुआ? तुम जितना पानी भरे हो उतना कोई खाली करेगा। हम किसी गड्ढे में 5 लीटर पानी भरे तो 5 इंच खाली करेगा। सर ये 30 क्या है? अरे ये 30 ये बताता है किसकी टोटल क्षमता है, 30 उतना पानी ले सकता है। लेकिन हम पानी अभी इतना ही भरे थे, लेकिन तब तक इसको बंद कर दिए। अब आएगा कौन? जेड। देखो अब जेड आएगा, और जेड का क्या काम है? अरे सर टाइम जेड को क्या करे, खाली करेगा। कितना? अरे जितना भरे थे उतना, 30 से कोई मतलब नहीं है इसको। हम बोले भरे तो 35/2 ही थे, हाँ इसी खाली करा दो। सर किस रफ्तार से खाली करेगा? सर इसको खाली करेगा 1.4 से, इसे इसको भाग दे दिए, फोन को ऊपर ले जाना हो जाएगा। कितना? 10, 7 से कटेगा 2 बार में और 7 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा कितना बार? बोलो सर 5 बार में। ठीक है, तो हो जाएगा कितना? 25/2 मतलब 12.5। 12.5 को 1/2 है ना, 12 is to 1/2 आवर्स लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर कहाँ है? डी ई जो राइटर से देख लीजिएगा। तो ये थोड़ा अच्छा सवाल था, अर्थमेटिक में सबसे अच्छा सवाल मैं इसी को मानूंगा, अच्छा सवाल था ना। तो टाइम एंड वर्क को भी टच किया था उन्होंने, पाइप एंड सिस्टम को भी किया था। तो आगे उम्मीद करते हैं अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दूसरा दिखने वाला है। आइए एक देखिए सर्कल का, एकदम हलवा सवाल ही पूछा था एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल, उठा करके कॉपी करके चिपका दिया है। हम बोला अरे ससुर इधर सी सेट ना, अब जबरदस्ती बच्चे परेशान कर रहा है, तुमको डिप्टी कलेक्टर लेना है कि तुमको यहाँ पर मतलब क्या करवाना है? रीजनिंग का इतना टफ बड़े बड़े सवाल डाल दिया था, सवाल कैलकुलेटिव। देखो आप लोग एक्चुअली क्या है कि जीएस पे ध्यान देते हो, स्वाभाविक क्या हम भी रहते आपके जगह पर तो थोड़ा दिक्कत जाता, पर इतना डिफिकल्ट सवाल पूछने का ही मतलब है? बिहार वाले तो बीपीएससी लेता भी नहीं सीसेट। आ जाओ, एकदम हलवा सवाल है, दिखा तो बेटा कुछ नहीं, दम ही नहीं सवाल में। देखो एक कोड मतलब होता है जीवा, समझो पर एक सर्कल ड्रॉ करूं क्या? आ जाओ आपके सामने में एक सर्कल, देखो कुछ नहीं करना, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। अगर तुमको ज्योमेट्री दिख जाएगा ना, बिल्कुल भी पेन मत चलाइएगा। बोला पी क्यू क्या है सर? जीवा है, कोड है और एक डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है बताऊं? सर्कल के सेंटर से जो लाइन होकर गुजरती है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको डायमीटर बोलते हैं, समझे? ये लाइन सीधा खींचा गया था, मान के चलना तुम लोग, ठीक है? मान लेना, मैथ में सब कुछ मानना पड़ता है, तुम लोग मान लेना कि डायग्राम मिथुन सर बहुत अच्छा बनाते हैं, ठीक है? चलो सर ये हो जाएगा एक आपका, यहाँ पे सेंटर से होकर डायमीटर गुजार दी, ठीक है? इसका नाम था आर और इसका क्या नाम था बेटा? एस, ठीक है? एक कॉर्ड पी क्यू है, ठीक है? और ये है ना इसका सेंटर यहाँ पे ओ दे दिए सर, ये कोड यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक यहाँ पे हम कोड ड्रॉ कर रहा हूँ। कोड क्या है यहाँ पे? पी, और ये क्या बेटा? क्यू है यहाँ पे। आगे बोला सर इसको बढ़ा दो, इसको ये इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को यहाँ पे टी पर। हम बोले देखो अब कैसे बढ़ाओगे, देखो इसको बढ़ा दिया जाए, इसको जब हम लोग यहाँ पे डॉटेड दिखा रहा हूँ, ये बढ़ा देंगे यहाँ पर, इसको भी यहाँ पर हम बढ़ा रहा हूँ, देखो यहाँ पे बढ़ा दिए, ठीक है? तो यहाँ पर ये लोग कट कर दिया कौन? टी पर। टी कट कर दिया कि नहीं? और आगे बोला है ये क्यू और टी, देखो सुन लो एकदम आसान सवाल, रुको ना, देखो ना ये क्यू जो टी है ना बेटा, ये इसके रेडियस के बराबर है। रेडियस बोले तो सेंटर से कहीं भी मिलाओ ना इसको यार, ये भी तो रेडियस ही होगा। देखो बेटा ये भी एक रेडियस नहीं होगा, देखो इसको यहाँ से थोड़ा डायग्राम ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है? देखो ई भी रेडियस बेटा, ई भी रेडियस, ई भी रेडियस, ई भी रेडियस, ई भी रेडियस। अब आपको त्रिभुज में क्या बोले तुम? अगर किसी त्रिभुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो उसका कोण भी बराबर होगा, ये बात तुमको मानना पड़ेगा। और अच्छी बात है ये सब है, इस कोण को ये दिया हुआ है कितना? 42 डिग्री। बेटा रुको ना सर, ये रेडियस है, इसके सामने वाला ये कोण है, तो ये भी तो रेडियस के बराबर है, तो इसके सामने वाला ये भी कोण तो बेटा 42 डिग्री होगा। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए,
आमने सामने भुजा बराबर है तो आमने सामने कोण भी बराबर होगा, बात खत्म। अच्छा एक और त्रिभुज की बात बोलूं, त्रिभुज के दो अंत कोणों का योग उसके बाह्य कोण के योग के बराबर होगा, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा 42 और 42, तो ये इसके बाह्य कोण नहीं होगा क्या? ये त्रिभुज का देख लो QO और RT जो त्रिभुज है QOT का ये दो अंत कोणों एक बाह्य कोण का कितना होगा सर 84। ए रुको ना बहादुरों, सर ये भी तो सर दो रेडियस आमने सामने बराबर है, तो इसके सामने ये कोण, तो इसके सामने ये भी जो कोण होगा ना उसको भी 84 होना पड़ेगा। बस ये दो ही प्रॉपर्टी सवाल पूरा बना दे रहा हूं मैं, देख लो त्रिभुज के दो अंत कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होगा, और दूसरा थ्योरी क्या था आमने सामने भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। सुनो ना, ये त्रिभुज नहीं है क्या? हाँ है ना, देखो सर ये एक त्रिभुज है, हाँ त्रिभुज के तीनों कोणों मान कितना होता है 180, तो दो कोण तो 84 168 दे दिया है, मतलब 168 में 180 घटाओगे क्या होगा सर 12, हम बोले ये कौन 12 है, हम बोले हाँ। अब मुझे बताओ ए रुको ना, ये कौन बच्चा कौन नहीं निकाल देगा, कौन नहीं निकालेगा क्यों? अरे सर एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पर 180 एंगल बनता है, तो ये 42 डिग्री प्लस 12 सर कितना हो गया सर 54, तो 180 में जब 54 घटा देंगे तो 154 रहेंगे 126 बचेगा, 126 तो ये जो बचेगा ना मेरा 126 कैसे आया यहाँ पे देख लो। अरे 180 में पहले तुम लोग 12 घटा लो, फिर तुम लोग 42 घटा दो, 54 घटाओगे ना तो 126 से बचने वाला है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ बेटा ऑप्शन नंबर बी। इतना सा काम नहीं कर लोगे फिर समझ लो गलती नहीं, और ये मत बोलो जो मैं टिटा पूछ दिया था ये कौन बराबर है तो ये भी बराबर होगा क्योंकि ये भी रेडियस के बराबर है, और रेडियस मतलब आमने सामने बराबर होगा, ठीक है भुजा बराबर है तो कौन बराबर, ये 42 तो ये दोनों अंत कोणों का मान 84, अब ये 84 तो ये भी 84 क्योंकि यहाँ पे रेडियस बराबर है, ठीक है तो ये निकल गया, ये 12 अपने आप निकल जाएगा, त्रिभुज का तीनों कोणों मान बेटा 180 होता, ध्यान रखना इस बात को, ठीक डन। अब 12 निकल गया तो ये कैसे निकला, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर भी कोण कितना बनता है 180। अब यहाँ पे देखो ये प्रॉफिट लॉस का एक बहुत अच्छा सवाल था, प्रॉफिट लॉस का जो सवाल था बहुत कैलकुलेटिव था, बहुत अच्छा सवाल है, मैं तारीफ करता हूँ सवाल का, बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है चलो चेक कराता हूँ आपको कितना सवाल है टफ। बोला देखो सर मार्क प्राइस 40% है, हम बोले रुक जाना पेन मत चलाना, हम बोले 40% मार्क पर है मतलब कॉस्ट प्राइस अगर बेटा 100 रुपया होगा ना, देखो यहाँ पे देखते रहना, तो सर ये जो मार्क प्राइस होगा, ये जो मार्क प्राइस होगा वो 140 होगा, 40% अधिक का क्या मतलब होता है, हम बोले हाँ तो ये जो मार्क प्राइस होगा देखते रहिएगा आप लोग सर ये होगा 140 क्योंकि 40% अधिक बोला है। बोला सर आप देखो ध्यान से, बोला कि अगर वो डिस्काउंट को 6.5% से बढ़ा करके 15.5% कर देगा तो अब इसकी जो है सो लाभ 378 से घट जाएगा, हम बोले इसका मतलब पहले थी डिस्काउंट 6.5 देता होगा नहीं है ना, हम बोले रुको देते हैं क्योंकि डिस्काउंट दोगे तभी तुम सेलिंग प्राइस पे पहुंचोगे, बेटा हमको सेलिंग प्राइस चाहिए, रुको अभी निकालते तुरंत निकालते हैं, बस हमको पहले प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट का डिफरेंस दिया था हम प्रॉफिट का डिफरेंस के बराबर करेंगे, और प्रॉफिट कब निकलेगा जब तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस निकलेगा, और सेलिंग प्राइस कब निकलेगा जब डिस्काउंट कैलकुलेट कर लोगे, तो सर पहले तो 6.5% था सर, हम बोले रुक जाना कुछ मत कर निकाल कैसे लेते हैं, ठीक है सर 140 का 6.5 अगर निकालेंगे सर तो क्या होगा, हम बोले देखो भैया ये पॉइंट हटा देंगे यहाँ पे जीरो आएगा, ये जीरो कट जाएगा तो चौक, हम चाहते हैं इसको हम डायरेक्ट 100 में घटा लेके लिख लेते कितना 90 पॉइंट समथिंग वाला लिख लेते हम लोग, 90 कितना निकल जाता 93.5, वो नहीं करना कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, डायरेक्ट चौदह पंचे सर क्या होगा 70 का जीरो कैरी 7 चौदह छः चौरासी 91 हो जाएगा 91, ठीक है हम बोले हाँ तो ये होगा 9.1, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना फिर से कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, 6.5 था हमने 14 का निकाला, 14 पंचे 70 का जीरो कैरी 7 14 छः कितना हो जाएगा 14 छः 84, ठीक है और कैरी कितना था सर हमारा सर 7 84 और 7 91 और यहाँ से जीरो चला गया मतलब 9.1, तो यहाँ से बोलो सर ये 9. जो है ना 9.1 यहाँ पे डिस्काउंट मिला, इसको फिर से मिटा देता हूँ, तो सर 9.1 घटा दो ना इसमें, बोले 9 घटाएंगे क्या बचेगा जानते हो, बोले क्या बचेगा 130 जो है सो 9 बचेगा, तो ये सेलिंग प्राइस है, हम बोले हाँ तो भाई 100 का सामान 130.9 में बेचेगा तुमको प्रॉफिट कितना मिलेगा जान रहे हो, हाँ सर हमारा पहला प्रॉफिट जो निकल जाएगा ना वो हमारा 30 कितना बचेगा बेटा 9 बचेगा, 30 क्या बचेगा 9 बचेगा, पहला प्रॉफिट निकल गया, सेम वही कहानी है, तो पहला प्रॉफिट बस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इसको ऑफ करूंगा, पहला प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा 30 कितना निकल गया 9 निकल गया, रुको अब इसको फिर से ऑफ करके हम दूसरा प्रॉफिट निकाल देते हैं, खत्म सवाल इतना करना पड़ता, देखो ठीक है देखो यहाँ पे क्या आप बोलो, बोला सर 15 हमारा दूसरा डिस्काउंट कितना हो जाएगा 15.5% किसका तो 140 का, ठीक है भैया परसेंट के लिए नीचे चाहो तो 00 चिपका सकते हो, ये पॉइंट और इधर ले आओ बस कुछ नहीं करना, 100 का 14 सिर्फ पढ़ लो, 14 5 70 का जीरो कैरी 7 14 5 70 और 7 70 का 7 कैरी कितना हो जाएगा भाई 7 14 और 7 कितना हो जाएगा बोलो 21 होगा, और यहाँ से पॉइंट चिपका देंगे तो कितना होगा देखो यहाँ पे 00 तो 21.7%, तो सर 21 नहीं पहले तुम 22 घटाओ सीधा सीधा, तो 22 जब घटाएंगे ना सर तो बचेगा 118 और ये पॉइंट चिपका करेंगे 3
मतलब ये हो जाएगा सर 118 पॉइंट कितना 3, तो सर दूसरा जो प्रॉफिट हमारा हो गया वो कितना हो गया 18.3। आ जाइए, हो गया हमारे यहाँ। अब प्रॉफिट का डिफरेंस बताओ तो सर, प्रॉफिट का डिफरेंस यहाँ पे देखो 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 डिफरेंस देखो, खत्म सवाल। देखिए डिफरेंस क्या होगा, यहीं पर डिफरेंस देख लें, यहीं पर निकाल दो क्या डिफरेंस, यहीं पर सर P2 जो है वो क्या 118 पॉइंट कितना हो जाएगा सर 3। सर इसका डिफरेंस बोले, हम बोले कितना, तो इसका जो डिफरेंस आ रहा तुम्हें हमारा ध्यान से देख लेना 12 पॉइंट कितना आ रहा 6 आ रहा। हम बोले यार हमारे हिसाब से इसकी प्रॉफिट जो घट गया, पहले इसको प्रॉफिट 30.9 हो रहा था बेटा, अब प्रॉफिट हो रहा है 118 पॉइंट कितना 3, तो प्रॉफिट तो घट गया। सवाल बड़ा सर इतना से नहीं घटा, हम बोले कितना घटा बताओ ना, सवाल बड़ा सर 378 से घट गया, तो सर यहाँ पे इसका मान 378 के बराबर कर दो, हमारा डिफरेंस तुम्हारा डिफरेंस के बराबर, तो एक का मान कितना हो जाएगा 30, और एक का मान जब 30 हो जाएगा, सवाल बड़ा सर अगर ये 27% डिस्काउंट देगा तो क्या होगा, हम बोले 27% डिस्काउंट देकर के बात खत्म कर देते हैं, देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे बात हटाओ इसको, फिर से रफ कर रहा हूँ, एक ही काम को तीन बार निकलवाया है और कुछ नहीं कर रहा है, एक ही काम को तीन बार, फर्जी का कुछ है नहीं। देखो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल दे रहा हूं, कितना डिस्काउंट दे रहे हो तुम लोग 27%, 27% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ बोलो सर, 73% जो है उसको बेचना पड़ेगा। हम बोले लो 140 का अगर हम डायरेक्ट 73% निकाल देंगे तो क्या तकलीफ है, बोले कोई तकलीफ नहीं है, 0-0 कटा देंगे, 14 से 34 42 का 2 कैरी 4, 16 से 98 और 4 102, और यहां से भाग देंगे तो कितना होगा 102.2। अब देखो बोला सर नया प्रॉफिट क्या होगा, बोले बता रहे हैं 100 का सामान बेच करके 102.2 बेचेंगे तो यहां से न्यू प्रॉफिट कितना होगा बेटा, सर यहां से जो न्यू प्रॉफिट होगा, देखो यहां पे सर न्यू जो प्रॉफिट होगा वो 2.2 होगा, देखो ना यार सर ये न्यू प्रॉफिट क्या होगा 2.2 होगा। देखो 100 का सामान 102.2 बेच रहे हैं तो इतना प्रॉफिट होगा, एक का मान 30 तो इसको 30 से जैसे गुना करेंगे 30 दुनी क्या होगा 66 होगा, तो इस तरह से आपकी नई जो प्रॉफिट होगा क्या होगा 66 होगा, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर, चेक कर लीजिए। सवाल में कैलकुलेशन के अलावा मुझे ज्यादा कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट तो एक ही को बार बार रिपीट करा दिया, कॉन्सेप्ट तो रिपीट ही नहीं हुआ है, मतलब है ना कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा था। अब यहां पर देखो ये सवाल, अभी इंस्टॉलमेंट आपको पढ़ाए थे ना, इंस्टॉलमेंट पढ़ाए थे याद है, यूट्यूब पर पढ़ाया था, अगर वो कर लिया 4-5 क्वेश्चन तो इसको हगम घट से कर दोगे, कोई दम ही नहीं सवाल में, कोई दम नहीं। मैं दिखाता हूँ, आ जाओ इंस्टॉलमेंट में आपको एक बात समझाया था, एकदम कोई फॉर्मूला नहीं, इंस्टॉलमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, मैं फॉर्मूला पढ़ाता नहीं जनरली अर्थमेटिक को, बोला एक लोन को रिटर्न करना सर 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट में, 2 वार्षिक किस्त चुकाना है और तुमको जो ब्याज लगेगा 15% लगेगा। हम बोले बहुत बढ़िया, अब समझो, अब यहां पर हर एक इंस्टॉलमेंट कितना है बोलो 5812, ये तो साथ कॉपी का सवाल है, स्लाइड का सवाल है, डेटा बदल दिया वहां पे देख लीजिएगा, सेम सवाल कराए हुए होगा देख लीजिए, हाँ हो गया सही, इंस्टॉलमेंट हो गया। अब बोला सर टोटल जो है सो कितना ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज का समझ लो 100 का सामान नहीं चुका पाए बाद में, उनको मान लो 140 चुकाना पड़ा, 40 ब्याज लग गया, वही सब काम बोल रहा है। तो कभी भी इंस्टॉलमेंट के किस्तों के सवाल के लिए परसेंटेज देख लो, रेट कितना सर 15% का मतलब 15/100 का मतलब क्या हो गया 3/20, और नीचे वाला होता है प्राइस, समझ लेना नीचे वाला क्या होता है बेटा प्राइस, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ देखिएगा यहाँ पे देखिए प्राइस और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब सर 20 का सामान एक साल के बाद इसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, 20/3 ब्याज देना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब पहले साल दूसरा साल के इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 होगा बेटा, और इसका स्क्वायर सीधा सीधा बोले तो 529 होगा। लेकिन ये बोला सर हमारा किस्त तो बराबर है, हर एक किस्त तो बराबर बराबर है, हम बोले हमारा तो बराबर नहीं है, तो बराबर करो ना खत्म, कैसे होगा, अरे सर इसको 529 कैसे बनेगा, हम बोले बता रहे ना, तो इस 23 को 529 बनाने के लिए इसको 23 से गुना कर दो, तो यहां से क्या होगा देख लो सर, यहां से क्या होगा, हम बोले कुछ नई प्राइस निकल जाएगा और नया इंस्टॉलमेंट निकल जाएगा, खत्म सर, नई प्राइस और नई इंस्टॉलमेंट, यहां पे देख लो सर 23 × 2 कितना होगा 46, मतलब 460 का सामान था, 529 रुपया तुमको ब्याज लगा। सर दूसरे साल में क्या हो गया, हम बोले कुछ नहीं, वो तो 400 का सामान था और 529 तुमको देना पड़ रहा है, रुको सर टोटल कितना प्राइस था, हम बोले टोटल प्राइस 860 था, देखो ना यार, और फाइनली तुम लोग कितना दे दिए सर, ये 1058 रुपया चुकाना पड़ा। अरे भैया 860 का सामान तुम 1060 चुका रहा है, तो तुम देख लो ना तुमको कितना ब्याज लग रहा है, तुमको इंटरेस्ट कितना लग रहा है, कौन बच्चा नहीं निकाल देगा बहादुरों, कौन नहीं निकाल देगा, कैसे घटाओगे सर, हम बोले 198 आ रहा है, 198 आ रहा है और क्या ब्याज लग गया, लेकिन एक रेशियो का मान निकाले थे, हम बोले बता रहा हूं ना हमारे हिसाब से टोटल जो है सो हर एक इंस्टॉलमेंट कितना कितना का है, अरे सर 529 का है ना, सवाल बोला नहीं सर 529 का नहीं था, हम बोले कितना का था सर 5819, हम बोले हमारा 529 का मान तुम्हारा 5819 के बराबर, समझे, तो इसको जब कटाएंगे बेटा तो एक का मान यहाँ से क्या होगा 11 होगा, देख लो 529 से भाग देना, एक का मान 11 और आपको 198 का मान चाहिए, 11 से मल्टीप्लाई करना, और 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब आपको हम ट्रिक सिखाए थे क्या जोड़ने का, ये 8
8, 9, 8, 17 के साथ कैरी वन, 9 + 10 = 11 का कितना हो गया बोलो, 1 कैरी 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2178 तुम्हारा जैसे इंटरेस्ट लग गया देख लोगे फटाफट से, ठीक है। कहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो राइट आंसर। हर एक सवाल को अपने अंदाज में करना होगा, अपने तरीके से करिए, बिल्कुल टाइम मत दीजिएगा। चलिए अगला सवाल बहादुर आपकी स्क्रीन पे देखते हैं क्या है। ये बहुत देखो ज्योमेट्री का एक और सवाल आ गया, सर्कल से दूसरा सवाल पूछा, एकदम कुछ नहीं करना है। बोला एक दो संकेतित, मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा, कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब एक ही सेंटर में बनेगा, एक ही सेंटर पे दो सर्कल बना, देख लो यहाँ पे एक ही सेंटर पे दो सर्कल बनेगा, ठीक है भैया। तो कोई गोला तुम लोग थोड़ा सा हमसे अच्छा बना सकता है, हमको पता है तुम लोग इसमें मास्टर है बेटा, तुम लोग हमसे ज्यादा मास्टर है इसमें गोल बनाने के लिए, ठीक है ठीक है। बोला सर देखो पहले वाले का रेडियस 12 है, दूसरे वाले रेडियस 37 दिया है, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है, ए टेंजेंट का मतलब समझा, एकदम टच करते हुए गुजर जाए सीधा सीधा, कट ना करे टच करे, ठीक। तो रुको यहाँ पे हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, रुक जाओ सर ये बताओ, हम बोले का ये, अरे क्या कर रहे हैं तुम लोग इधर आओ, ये 12 है इसका रेडियस, हम बोले हाँ 12 होगा सर, ये बड़े वाले का रेडियस दिख रहा है, बोले हाँ, अरे क्या कर रहा है ससुरा सब का डिस्टर्ब कर रहा है का, ये हो गया हाँ। अब बड़े वाले का जीवा छोटे वाले का टेंजेंट है, जीवा मतलब देखो बड़े वाले का जीवा इसको टच कर रहा है, जल्दी से तुम लोग कट मत करा देना, एकदम टच करते हुए यहाँ तक गुजर गया, ठीक। हम बोले हाँ, और याद रखिए ये टेंजेंट, टेंजेंट यहाँ 90 डिग्री कोण बनाता है, भूलिएगा मत तुम लोग, है ना, छोटे वाले का टेंजेंट बन गया। हम बोले खत्म हलुआ, ये 12 बेटा ये तो 37 और ये 90 डिग्री है, तो ट्रिपलेट नहीं लगेगा, पाइथागोरस नहीं लगेगा, p² + b² = h² सर ये 90 सामने 35, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक, कहाँ गया पेन, इधर आओ सर, यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा कितना 35, क्यों 35, 12 और 37 ट्रिपलेट होता है, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर जो होता है बेटा वो 37 का स्क्वायर 1369 के बराबर होता है, तो सर यहाँ से यहाँ 35 निकल गया। और एक बात तुम समझ लो, सुन लो, ये टेंजेंट को ना जो सेंटर से जो लाइन होती है ना, ये जो रेडियस है, इसको दो इक्वल भाग में डिवाइड करती है, मतलब ये 35 हो गया तो ये भी 35 हो जाएगा, तो 35 क्या हो जाएगा 70, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, देख लो। तो ये जस्ट जीवा पूछा था, एकदम हलवे सवाल पूछा ज्योमेट्रीज तुम्हारा, ठीक है आओ, तो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर बेटा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे एक और सवाल, ए ये कॉपी में देख लो, ऑफलाइन जो रायपुर के बच्चे तुम्हारा डेटा भी 9 ने रखा था, और ऑनलाइन वाले बच्चे तुम्हारा यहाँ पे 8-8 हम कर दिए थे, सवाल सेम था कि नहीं, देख लो, ये मत बोला सर आपने कुछ पढ़ाया नहीं था, देख लो बेटा डेटा सेम था, हाँ हमने वहां पे डिवाइड करने बोला था, ये मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर डिवाइड कर दिया, देखो लॉजिक वही बनाऊंगा, एक लाइन का सवाल देख लेना, कुछ नहीं करना, पेन मत चलाना। बोला सर देखो एक संख्या को 9 से गुना करने के बजाय 9 से भाग किया गया, तो परिणाम स्वरूप जो है सो गलती निकल गया, कितना गलती है। हम बोले ऐसे केस में नंबर को मानने का तरीका क्या, बोला अगर ये 9 से डिवाइड 9 से भाग करने की बात करे बेटा नंबर को 9 ही मान लेना, अगर ये 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड करने की बात करे नंबर को 8 मानना, समझे कि नहीं, अगर 10 से डिवाइड करेगा 10 से मल्टीप्लाई 10 मानेंगे, तो हमने मान लिया बेटा देखो यहां पे नंबर, सर जिस नंबर की ये बात कर रहा है ना वो नंबर हम लोग मान लिए 9, सही क्या है गलत क्या है, एक लाइन एक लाइन एक लाइन बेटा समझो, ठीक है, क्या सही क्या था। बोला एक संख्या को 9 से गुना करने के बजाय, मतलब गुना करना था, ये 9 को 9 से गुना करते ना तो रिजल्ट हमको 81 मिलता, लेकिन बनता गलती से हमने क्या के भाग दे दिया। हम बोले अच्छा 9 को 9 से भाग दी गलती से, रिजल्ट कितना आ गया 1, अरे भैया आना चाहिए 81 आ गया 1, तो कितना का एरर, ए कितना 80 का एरर, किस पे कमी हुआ, ये 80 का डिक्रीमेंट हुआ किस पे कम, तो 81 पे, तो 81 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, गुना क्या हो जाएगा 100, तो ये जब निकालेंगे तो सर देखो 100 से थोड़ा सा कम है, हालांकि इसको हम ऐसे लिख सकते थे चाहते तो कटा करके 1 - यहाँ पे 19 करके मिलते, तो कौन सा होगा आंसर 98.77, ठीक है, तो 98.77% आ जाता है, ठीक है, कर सकते थे यहाँ पे। हम इसको कैसे कर दिए, हम कैलकुलेशन यहाँ सिखाते अलग से, हम ए 81 को क्या कर सकते थे, इसको 80 को क्या ले सकते थे सर, 81 - 1 80 हो जाएगा, और ये 81 से जब भाग देंगे तो 81 करके 1 होगा, और ये -1 बाई कितना होगा बोलो 81, और ये गुने क्या होगा 100, अब मुझे बताना 1 का मतलब कितना हो रहा है बेटा 100% और 81 गुने 100, तो 100 को 81 से भाग देंगे एक बार समथिंग जाएगा, एक बार समथिंग, तो सर 100 में से जब एक घटेगा तो 98 बचेगा, यानी 100 में 1 पॉइंट समथिंग घटेगा मतलब 98 पॉइंट समथिंग बचेगा, तो 98 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन देख रहा है डी से, देखो हमने कैलकुलेशन तो ऐसे किया था मन में, 80 को 81 - 1 कर दिए मतलब -1 कर दिए, अब 1 - 1/81 देख लो ना बेटा 100 में से 1 पॉइंट समथिंग घटाएंगे तो 98 पॉइंट समथिंग ही बचेगा, तो आंसर हमने डायरेक्ट मार दिया था, ठीक। चलो तो एक हलवा सवाल था, आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइस देखते हैं आगे, वो सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए सवाल क्या है, ये सवाल आपका कंपाउंड टेस्ट पे सवाल है, बेस्ट बहुत आसान सवाल है, कंपाउंड टेस्ट का सवाल है, देखते हैं सवाल बोला क्या है, और कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए प्रीवियस ईयर प्रीवियस में क्या, कि हाफ ईयरली और कंपाउंड क्वार्टरली में क्या अंतर है। देखो बोला कुछ ये पैसा है,
125,000 बढ़ करके इतना हो गया, बढ़ कर हो जाना, मतलब जो पैसे है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल जो बढ़ कर हो जाता है उसको अमाउंट बोलते हैं। और आखिर सर 16% परिणाम से पैसा बढ़ रही है, और आगे बोला कि सर बताओ कितना साल में जो है सो कितना साल में, ये हाफ ईयरली के रेट से क्या होगा, इतना होगा। ये हाफ ईयरली बोल दिया, तो हाफ ईयरली में दो बातें आपको दिमाग में चलना चाहिए। क्या सर? हाफ ईयरली का मतलब दो बातें होता है, एक पहला कि टाइम होता टू टाइम्स, देखो टू टाइम्स हो जाता, समझे कि नहीं, जो पाला अभी जो टाइम होगा जो भी होगा टू टाइम्स रहेगा, ठीक है भाई, टू टाइम्स हो जाएगा, और जो रेट रहेगा आधा हो जाएगा। ये दो बातें आपको पता होना चाहिए सर, 16% का मतलब आधा हो जाएगा कितना, 8%, ठीक है 8%। तो आइए बात कर लेते, सवाल बोला क्या, कितना साल में, हम बोले सबसे पहले तुम ब्याज निकालो, आपको आइडिया रफली आ जाएगा, रफली आइडिया आ जाना चाहिए। सर ये 125 से इतना हो गया, मतलब घटाएंगे कितना हो जाएगा, 32,464। तो 32,464 जो है 125,000 का लगभग 1/4 है, लगभग ये 1/4 है, 1/4 का मतलब 25% के समथिंग। और 25% कब आएगा, जब 8 गुने है ना, देखो 8% का अगर 3 गुना करोगे स्वाभाविक है, 3 साल का मतलब यहाँ पे कंपाउंडर लगता है, इसका एक फॉर्मूला तुम लोग को हम बताया, याद रखे क्या निकाले, 3a² और ये a का क्यूब, एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने अगर आप थोड़ा याद होगा। तो जब 8 रखेंगे सीधा सीधा 8 + 24 यानी 25% के आसपास पहुंच रहा है, मतलब यहां से हम डायरेक्ट भी टाइम को बता सकते हैं, टाइम कितना होगा, 3 साल होगा यहां से, है ना, ये यहां से मतलब यहां फिलहाल देखो आप कितना होगा, 3 साल डायरेक्ट बता सकते थे। अब क्या होगा, ये 3 साल जो हुआ ना ये क्वार्टरली मतलब ये हाफ ईयरली के बाद हुआ, ठीक है, यहां पर यहां भी बात करो यहां पे, है ना, यहां पर। तो सर ये क्या होगा, तो हम बोले कुछ नहीं, अगर अभी आपको एक्चुअल टाइम चाहिए तो फिर क्या आधा रहेगा, स्वाभाविक है, अभी ये 3 साल निकल रहा है हाफ ईयरली के कारण, तो रियल जो टाइम रहा होगा उससे आधा रहा होगा, तभी उसको डबल करके 3 साल की हो, तो जो हकीकत में सर रहा होगा कितना होगा, 1.5 रहा होगा। एक तो ये तरीका होगा जहां से ओवरऑल आप मार सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा ये जो टाइम है वो हाफ ईयरली वाला कॉन्सेप्ट के बाद है, मतलब ये डबल किया हुआ समय है, तो ओरिजिनल जब टाइम निकालोगे तो 1.5 साल निकलेगा, क्योंकि हाफ ईयरली का मतलब 6-6 महीना, समझा कि नहीं, तो यहाँ पे ये 3 साल का मतलब 3-3, 6 महीना मान सकते हो आप, क्या समझा, हमने भी अलग 3 इंस्टॉलमेंट बोल सकते हो, 6-6 महीने का 3 इंस्टॉलमेंट, ठीक है, टाइम जो 3 आ रहा हो, हाफ ईयरली का मतलब यही होता है कि 3-3 महीने का जो ये जो 6-6 महीने का जो इंस्टॉलमेंट होता है 6 मंथ, है ना, ये 3 जो है सो ये 3 इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट होगा बाद में, कितना कितना सर ये 6-6 मंथ का, 3 इंस्टॉलमेंट 6-6 मंथ का, मतलब वही होगा 36-18.5 साल, समझे कि नहीं। तो अभी जो टाइम 3 साल आएगा कि हकीकत टाइम क्या होगा, इससे आधा हो जाएगा, एक तो तरीका हो गया। दूसरा ये तरीका ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं, अब तो पहले रेट क्या कर लो सर, आधा 8%, ठीक है, अब टाइम निकलेगा 3 साल है कि उसका आधा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये 3 साल जो टाइम निकलेगा वो हाफ ईयरली वाला कॉन्सेप्ट से। आप क्या 3 साल है कुछ नहीं करना, 3 लाइन एक बार आप ड्रॉ कर लो फटाफट से, ठीक है भाई। अब समझो सर कितना 1025, यहाँ पे देखो प्रिंसिपल तुमको दिया हुआ कितना, 125,000 का 8% निकालोगे सर, 8% निकालेंगे तो हो जाएगा 10,000, निकाल के दिखाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, यहाँ से भी निकाल दो कितना हो जाएगा बाद में, 10,000 यहाँ से भी निकालेंगे कितना हो जाएगा तुम्हारा 10,000, है ना। अब समझो सर इसका निकालो 8% तो हो जाएगा 800, और इसका निकालेंगे तो इसको छोड़ करके दोनों का 8 कितना हो जाएगा 1600, डन। इसका निकालना होगा बहादुर तो क्या करेंगे, देखो इसको छोड़ के इसके देखो 800 का 8% का मतलब 64, और फाइनली जब जोड़ेंगे तीनों को ना तो आपको देखो आपको जो ब्याज यहाँ चाहिए था, जो ब्याज आपको निकला था 32,464 यहाँ से भी निकल जाएगा, तुम्हारा वेरीफाई करा दिया हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा 2400 बहादुर, और ये अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30,000, ठीक है। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो देखो आपका भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा बढ़ करके जो आएगा वो 32,464 ही आने वाला है। तो यहाँ से भी जो टाइम हम लोग यहाँ पे 3 साल जो है ना लिए हैं वो 3 जो है सो क्या है 3 वो हाफ ईयरली वाला टाइम है, ठीक है, लेकिन हमको एक्चुअल टाइम चाहिए तो आपको क्या करना होगा, एक्चुअली 6-6 महीना का चल रहा है, 6-6 महीना करके 3 साल, समझे कि नहीं, 6-6 महीना का चल रहा है, तो 6-6 महीना में समझ जाना बेटा, जो टाइम रियल टाइम निकलेगा वो रियल टाइम इससे आधा कर देना, रियल टाइम क्या हो जाएगा सर ये 3/2 तो होगा 1.5 ईयर्स, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी जो राइट आंसर, उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगा। चलिए अगले सवाल की मूव करते हैं, ये भी एक बहुत नॉर्मल सवाल है, आप इसको मिक्सर एलिगेशन में पढ़ सकते हो, है ना, कई बच्चे इसको रेस्यूम भी पढ़ लेते हैं, अलग अलग जगह इसको पढ़ने का काम करता है। आइए देख लेते हैं फटाफट से ना, कुछ नहीं बस इतना रखना, अगर मान लो 20% निकाल लेते हैं, एक मिक्सर है 20% निकालेंगे कितना बचेगा 80/100, अगली बार 30% निकालेंगे क्या बचेगा 70/100, वही तो कॉन्सेप्ट है यार। यहाँ पे देख लो क्या बोला, 72 लीटर पानी से भरे बर्तन में से कई है ना कई लीटर पानी निकाला गया, अच्छा यहाँ पे कहा जा कई लीटर नहीं दिया कितना लीटर निकाला गया,
समान मात्रा में जो दूध में मिला दिया, मतलब जितना पानी निकाला उतना ही दूध निकाल दिया, डाल दिया। पहले प्योर पानी निकला, मान लो कि 10 लीटर निकला होगा, 10 पानी दूध मिला दिया, मतलब बराबर हो गया। फिर से अब आगे भी बोला, फिर से समान मात्रा में मिश्रण निकाला गया, मिश्रण तो बनेगा ही, जब दूध में तुम एक दूसरी बार पानी मिलाया होगा पहली बार तो मिश्रण बन गया, तो मिश्रण से फिर उतना ही निकाला गया जितना पहले निकाले थे, समान मात्रा में निकाला गया। अब जो है सो फिर से दूध मिला दिया उतना ही अमाउंट में, और इस तरह से जो है सो बर्तन में 72 के जगह पर मात्र 32 लीटर पानी बच गया है। तो बोला सर बताओ प्रारंभ में पानी की मात्रा कितना निकाला गया था। बोले सुन लो बादरों, सुन लो बादरों, देखो कुछ नहीं करते हम, बोले आप देखो 72 पहले था, हाँ तो 72 में से कुछ लीटर निकाला होगा, हम बोले चलो 1 लीटर निकाला होगा, मान लो मुझे पता नहीं 5, 10, 15 कितना निकाला था, तो जो भी निकाला होगा 72 में से एक को क्या कर दिया होगा, सुनो ए निकाल दिया होगा, और फिर से जब ए तुम डाल दिया होगा प्लस ए करेंगे कट के, फिर से टोटल कितना हो गया 72। देखो ना, अगर 5 लीटर पानी निकाल के 5 लीटर तुम दूध डाल दोगे तो टोटल के अमाउंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला मत लगाना, सुनो जो कौन सा समझा रहे हैं इस पर काफी सवाल बन गया है। फिर से वही बात है, फिर 72 हो गया, 72 में से फिर उतना ही अमाउंट ए निकाला तुम लोगों ने, तो सर 72 माइनस क्या हो जाएगा, ए होगा। हम बोले हाँ बिल्कुल सही है, और फिर से उतना ही तुम दूध डाल दिया, मतलब फिर से 72 बन गया, और यहाँ टोटल कितना बचा सर 32 बचा, खत्म सवाल, इसमें बचा ही क्या है, कैलकुलेशन कर लो। देखो कैलकुलेशन करने बाद सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, 72 से 72 कट जाएगा। हम बोले बहुत बढ़िया सर, इसको इधर कर दे। हम बोले कर दो, अब क्या हो जाएगा, हम बोले 72 माइनस 1 का होल स्क्वायर होएगा इधर, और इधर जो बच रहा है सर ये 32 गुण है क्या होगा 72, अगर हम इसको कैलकुलेशन कर लें तो इसको गुना कर लो कितना, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, सर 3 दूनी 6 और 7 दूनी कितना हो गया 14 और कितना हो जाएगा 6 20 20 का 0 कैरी कितना 2 21 और 2 2300 4, ये किसी का स्क्वायर होता याद है, और यहाँ पर स्क्वायर भी है, स्क्वायर किसका 48 का होता है यार, 48 का स्क्वायर याद है तुम लोग, याद होगा जल्दी मार दोगे ठीक है, और नहीं मारोगे फिर तुमको निकालना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे एक जगह पर क्या रहता है, मतलब हमको यहाँ 48 बनाना है, तो 48 बनाने के लिए एक जगह पर क्या 72 को कितना 24 घटा दो यार, देखो यहाँ पे इसको 48 क्योंकि 48 का स्क्वायर है, इधर 48 सही 72 में क्या घटा 48 होगा, तो 72 में 48 घटाने के लिए तुमको एक का मान कितना रखना पड़ेगा 24 रखना पड़ेगा, 24 घटाओगे देख लो तो एक का मान 24 आंसर नंबर कौन होगा, डी होगा। देख लो सॉल्व भी नहीं करना है, सॉल्व करोगे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मत करना, क्यों करेंगे बताओ ना, अगर बच्चा करेगा क्या होगा, हम बोले कुछ नहीं होगा 72 माइनस 1, और इसको अंडर रूट जब करोगे 23 0 4 मतलब इधर क्या हो जाएगा, बोलो 48 हो जाएगा यार, है ना, इधर एक मिनट जाना, इधर आओ यहाँ से क्या हो जाएगा 48, तो 48 घटाओ इधर, तो ए बराबर क्या होगा सर 72 माइनस 48 का मतलब 24 होगा। तो इस तरह से 24 लीटर जो है सो आराम में निकाले होंगे, यहाँ पे आपको सब सब पता चल पा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बात रहा, कुछ और सवालें बच गए, मैं देखता हूँ आपको सवालें क्या है, लेकिन सी सेट को लेकर के थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की अब जो है सो नीट होने आ रही है। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल, मैं इसको दो तरीके बताऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपको कॉमन सेंस लगाना था ऐसे सवालों में, और इस सवालों को ऑप्शन से जल्दी बनाते मेरे दोस्त समझो, ठीक है कॉमन सेंस की बात। मैं अक्सर बोलता हूँ इसको स्क्वायर अगर याद है ना तो बाकी बच्चे तुम बहुत आगे हो, इससे पिछला सवाल में स्क्वायर काम हुआ। यहाँ पे देखो 7 का पावर समथिंग बराबर कितना 2300, बोलो 2352। हम बोले 7 का पावर जो 4 होता है ना, आपको याद है 49 का स्क्वायर मतलब 2401 होता है, कितने बचे हैं सबको पता है सर 49 का स्क्वायर 2401 होता है, मतलब सर यहां पर अगर 7 का पावर 4 वो 2401 में समथिंग घट के ये आंसर दे सकता है, क्योंकि तुमको जो भी सोचना होगा दिमाग को कंसंट्रेट तुम 7 के पावर पे ना करोगे यार, तो यहां से तुम हिट एंड ट्रायल बोलता सर यहां पे तो x का मान क्या रख दूं, हम बोले 1 तो है ही, तो सर यहां पे 3 रख देंगे, 3 + 1 = 4 हो जाएगा, हम बोले हो जाएगा ठीक है, तो यहां से x बराबर 3 रख के देख रहा हूं। देखो हम भी चेक करते हैं कि नहीं सही आंसर, देख लेते हैं कैसे चेक होगा। यहां पे देखो सर ये 7 का पावर यहां पे 4 हो गया तो 3 रख दिए, x का मान 3 रखे थे, 3 - 1 = 2 मतलब 7 का स्क्वायर 49 मतलब 49 को माइनस करो कि इतना आ रहा है, हाँ सर आ तो रहा है, तो सर ये आ रहा है मतलब तुम एक्स का मान बिल्कुल सही माना है, देख लो। तो यहाँ पे कॉमन सेंस से तुम हिट एंड ट्रायल से बोल सकते सर एक्स का मान 3 आ गया, और एक्स का मान 3 आएगा तुमसे पूछा क्या बोलूँ सर 5 का पावर कितना सर 2 2x, और एक्स का मान कितना निकला 3, है ना निकल गया कि नहीं, हम बोले हाँ निकल गया, मतलब 5 का पावर कितना 6, और 5 का पावर 6 का मतलब सीधा सीधा बोलो ना सर ये 5 का क्यूब मतलब 125 का क्या होल स्क्वायर करो ना सर, हम बोले हाँ, और इसका स्क्वायर होता है 15625, देख लो आंसर आ गया खत्म, कहाँ है ऑप्शन नंबर बोलो सी है। तो ये पहला तरीका मैंने हिट एंड ट्रायल बोला, जहां से तुमको अगर 49 का स्क्वायर याद होता या 4 का पावर 4 पता होता तो तुम कर लेता है। अगर किसी बच्चा ने हमको सॉल्व करके दिखा दो, बेसिक से मैं बता दे रहा हूं, लेकिन आपको करना वही तरीका था जो बेस्ट लग रहा था ठीक है मुझे, आओ दिखा देते एक बार, इधर आइए यहां पे देखो 7 का पावर यहां पे देखो एक्स है, हाँ याद है ना 7 का पावर कितना एक्स है, देखते रहिएगा बस देखते रहिए सारे बच्चे ठीक है, सारे बच्चे देखते रहिएगा ठीक है। देखो यहां पे बेसिक सॉल्व कर देता हूं,
याद है ना, दो टर्म सेम रहेगा, पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, और पावर जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सात का पावर अलग कर लो हम, बोले हाँ माइनस सात का पावर x, और ये डिवाइड होगा क्योंकि सर डिवाइड सेम बेस रहने पर डिवाइड करने पावर घट जाता है, और बराबर क्या हो जाएगा, देखो सर बराबर जो होगा ना वो 3252 होगा, कुछ मत करना बेटा, तुमको सेवन का पावर x यहाँ भी है, सेवन का पावर यहाँ पे कॉमन कर लो, सेवन का पावर x कॉमन करेंगे क्या होगा सर, सात, और ये सात यहाँ से सात माइनस एक बटे सात, यही तो हुआ है, और बराबर 3252, कुछ नहीं कैलकुलेशन है, तो 49 में से एक गया कितना हो गया 48 हो गया, हम बोले हाँ सात का पावर x, और ये हो जाएगा 48, ठीक है, और ये जो होगा सर ये सात को उधर भेज दो, तो 2352 याद हो, और ये सेवन इधर आ गया सर, 48 से गुना करोगे ये हो जाएगा कितना बार में सर, ये 49 बार में कट जाएगा, तो 49 का मतलब सात का स्क्वायर है कि नहीं बताओ, तो सात का स्क्वायर गुने कितना हो गया सात, मतलब सात का क्यूब हो जाएगा, देखो यहाँ पे सेवन का x, यहाँ पे देख लो सेवन का पावर x बराबर सेवन का क्यूब होगा, तो यहाँ से x का मान ऐसे भी तुम क्या निकालोगे, तीन ही निकाल लोगे, इतना करने वजह से आप डाइट भी कर सकते हैं, दोनों तरीका मैंने आपको क्लियर करके बता दिया, ठीक है दोस्त, आइए आगे बढ़े, चलो आगे बात करते हैं, तो इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर आ चुका, आइए आगे बात करते हैं, ठीक है, ये सवाल है ट्रेपेजियम का, एक बहुत अच्छा सवाल है, समलंब चतुर्भुज का सवाल है, ज्योमेट्री में अच्छे सवाल इसको बोल सकते हैं आप, जहाँ पर सिमिलरिटी का इस्तेमाल हुआ है, सिमिलरिटी का थोड़ा बहुत, हालांकि ऐसा वो डिफिकल्ट सवाल आपको है ना कॉन्सेप्ट याद होना होगा, इस सवाल किसी प्रीवियस ईयर से नहीं लिया गया है, ये सवाल वो खुद डिजाइन किया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सवाल प्रीवियस ईयर में नहीं है ना, लेकिन कर ले जाओगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा सर एक ट्रेपेजियम पी क्यू और पी आर पैरेलल, हम बोले हमको पहले से पता है, हम लोग देखो अब हमको पता है ये पी क्यू हो गया, और ट्रेपेजियम यहाँ पर देख लो ये है ना, देखिए देखते रहिए, बोले हाँ सर ये समलंब चतुर्भुज हो गया, देखते रहोगे, ठीक, ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा कितना, वो सात दिया, सॉरी ये सात दिया, देखो यहाँ पे एकदम हलवा है, रुको, ये हो जाएगा सात बेटा, और ये हो जाएगा कितना 11, अब आगे एक बात बोला सर ये तो पैरेलल हो जाएगा, हम बोले हाँ ये तो पैरेलल है ही, ये हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा कितना क्यू, और ये हो जाएगा कितना एस आर, ये होगा एस, तो ये हो जाएगा क्या आर हो जाएगा, ठीक है, हम बोले हाँ पैरेलल है, डन, आगे बोला सर देखो इसकी जो हाइट दिया है ना, इसके बीच में दूरी, ये जो हाइट है ना, ये हाइट ये चार दे दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, ये आपकी हाइट यहाँ पर इन्होंने चार दे के आप पे आसान कर दिया है, डन, आगे एक लाइन बोला कि देखो टी और यू है ना सर, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है पी एस, ये पी है बिंदु, ये बिंदु क्या है पी है, मैं बताता हूँ अच्छे से ना, ये बिंदु पी है, बोला सर इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसका मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु जो है ना, ये मध्य बिंदु को मिला दो, और ये मध्य बिंदु क्या दिया बेटा, इसका नाम क्या दिया लो ना, ये दिया टी, और ये दिया है यू, एक बात समलंब चतुर्भुज अगर आप पढ़े होंगे तो एक थ्योरी तुमको पता होगा, मिड पॉइंट थ्योरी यहां भी लगता है कि अगर ये बीच वाला पॉइंट, बीच वाला अगर लाइन निकालना होगा ना, कैसे निकलेगा जानते हो, ये लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन को जोड़ के आधा कर देना सीधा सीधा, देखो तो ये सात और ये 11 18 18 का आधा करेंगे 9, ये थ्योरी होता है, याद रखिएगा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो, ज्योमेट्री में पढ़ना पड़ता है इसको, ठीक है, तो ये निकल गया कितना 9, तो मतलब ये मध्य बिंदु का लाइन 9 निकल गया, अब ये सवाल क्या बोल रहा है ध्यान सुनना, अब ये लाइन थोड़ा सा ट्विस्ट करने का प्रयास कर रहा है, बोला पी एस को बढ़ा दो, हम बोले हम बढ़ा देंगे, लो तुम लोग बोल रहे हो तो बढ़ा देते हैं यहाँ पे, और ये बोला सर क्यू आर किसको बढ़ा दो, हम बोले अच्छा बढ़ा देते हैं यहाँ पे, मान लो मिल गया, मिल गया हाँ, और मिलने के बाद अब एक त्रिभुज बन गया, हाँ त्रिभुज बन गया, ठीक है भैया, एस पी को प्रोडक्ट वहाँ ओ तक किया, पॉइंट को हमने यहाँ पे ले लिया ओ, यहाँ तक मिला दिया है, बोला सर एरिया बताओ ना कौन सा, सर ये ओ यू टी, मतलब यहाँ से एक त्रिभुज बना, यहाँ से मिड पॉइंट को लेते हुए यहाँ से त्रिभुज देख लो, ये पूरे त्रिभुज का क्या निकलेगा सर, ये एरिया निकलेगा, हम बोले यार एक चीज़ बताओ त्रिभुज का एरिया हम जानते हैं की चीज़, सर ये एरिया जो होता है ना, वो एरिया अब जो ट्रेंगल होता है वो एक ही चीज़ हम जानते हैं क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो सर इसका बेस तो पता चलिए गया 9 है, अगर इसका हाइट पता चल जाता तो सवाल ने दम तोड़ देता है कि नहीं बोलो, हाँ सर, तो आओ यहाँ पे देखो इसकी हाइट निकालो, ड्रॉ कर लो सर इसकी हाइट, इसको हम वाइट से दिखा रहे हो ना, यहाँ तक तो हाइट है, तो भाई 90 डिग्री तो गिरेगा, परपेंडिकुलर तो गिरेगा ही गिरेगा, समझा कि नहीं, तो अगर परपेंडिकुलर गिरा ये कौन, तो दोनों देखो सेम है, अब यहाँ पर मैं एक बात बोलूँ, इस पॉइंट को यहाँ पे तुम करो, अगर इसको यहाँ पे एम मान लो बेटा, और इस पॉइंट को यहाँ पे तुम एन मान लो, अपने मन से बेटर होगा, तो हम यहाँ पे दो त्रिभुज की बात करें, छोटा वाला त्रिभुज देखो ओ एम क्यू और ये त्रिभुज, और ओ एन और यू ये बड़ा वाला त्रिभुज पूरा, ये दोनों आपस में क्या लगता है तुमको, सिमिलर नहीं होगा क्या, क्यों सिमिलर होने के लिए दो एंगल बराबर होना चाहिए, एक एंगल तो यहीं पर कॉमन है, और यहाँ भी 90 और एक एंगल यहाँ भी 90, तो यहाँ से आपको क्या हाइट नहीं निकल जाएगा, क्यों सर ये टोटल जो हाइट इसका है ना, हम बोले हाँ, तो ये हाइट कितना मान लेंगे, मतलब एच, लेकिन सुन लो अगर ये टोटल हाइट 4 है बेटा, ये मध्य बिंदु है, तो ये हाइट तो 2 होगा, मतलब यहां से m और n का मान तो 2 हो गया, देखो ना टोटल हाइट अगर 4 है तो ये 2 होगा, तो सर यहां से टोटल अगर h मानेंगे ये 2 है, तो यहां से यहां तक का जो हाइट होगा इस त्रिभुज का बेटा वो कितना हो जाएगा सर, ये h माइनस कितना होगा 2, खत्म, यही तो सवाल था, और अगर ये सिमिलर भी है, कौन-कौन ट्रायंगल o एम और क्यू, ये सिमिलर ट्रेंगल किसका निकल गया सर, ये ट्रेंगल निकल गया किसका, ओ
एन और यू का, तो जैसे सिमिलर है सिमिलरिटी लगा लो, सिमिलरिटी में तुमको पता है कि नहीं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो क्या कहने का सात है, तो टोटल सात है तो ये मध्य बिंदु होगा इसका, तो ये कितना होगा 3.5, ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा 4.5 लगा दो, तो एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर देखो बड़े वाले में अगर यहाँ पे देखो ये एन और यू लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.5, तो इसका जो साइड है इसका इस एंगल का ये कितना होगा 3.5, समझे हम, बोले हाँ समझ गए सर। अब यहाँ देखो अब कौन साइड ले रहे हैं हम, देखो अब इसका हाइट का, तो इसका हाइट यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये हाइट कितना होगा सर, ये एच होगा, तो सर ये छोटे वाले त्रिभुज का हाइट कितना होगा सर, ये एच माइनस टू होगा, खत्म, इतना तो कर ही सकते हो ना यार, है ना। अब इसको कैंसिल कर दूं सर, ये 9 बार में कट जाएगा सर, ये 7 बार में कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 7h बराबर ये 9h माइनस का कितना होगा 18, सर इसको इधर लाओ, तो सर 9h में h की 7h घट गया 2h बराबर 18, तो यहाँ से h बराबर कितना निकल गया बहादुरों सर, ये h बराबर हो गया 9, और जैसे h यहाँ पे 9 निकला तो सवाल ने दम तोड़ दिया, है ना। तो सर ये हाइट कितना निकल गया आप यहाँ बता सकते हो, सर ये हाइट निकल गया हमारा कितना 9 निकला, कैसे निकला है सिमिलरिटी का एक प्रॉपर्टी लगा दिया हूं और कुछ नहीं किया हूं। अब जाकर तुम लोग यहाँ पे काम कर सकते थे क्या सर, ये हाफ होगा, बेस भी 9 है बेटा, यहाँ पे हाइट भी 9 निकला, तो 9 81 को जब 2 से भाग दे तो आंसर क्या हो जाता है 40.5 जो राइट आंसर है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर टिक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाया सिमिलरिटी का, है ना। चलो एक सवाल और होना चाहिए मेरे हिसाब से, यही सवाल है यहाँ पे, ये भी बहुत डिफिकल्ट, हाँ ये सवाल तुम्हें कॉपिंग करवाया था यार, वहाँ पे हमने बस इतना कहा था कि 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री दूंगा, और यहाँ पे बोला सर 12 वस्तु पर एक वस्तु फ्री दे रहे हैं, हमने वहाँ पे आपको पहला डिस्काउंट 4% दिया था, इन्होंने पहला डिस्काउंट यहाँ 12% दिया है, और तो कुछ किया नहीं है यहाँ पे, सवाल एकदम सेम सवाल कॉपी का, ये देख लेना प्रोफेसर अगर पढ़ा होगा तो। और फाइनली आखिरी सवाल है, इसके बाद आपको पूरे सीसर के हमने 33 क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। इसके बाद बोला सर ये मार्क प्राइस जो बुक का ना अभाव है कितना 56% से एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, हम बोले खत्म, हम बोले समझ गए, अगर ये 100 होगा ना तो ये जो मार्क प्राइस तुम लोगे बेटा ये कितना लोगे 156 लोगे, है ना, ठीक है। पहले 12% डिस्काउंट दो क्योंकि यहाँ पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है, समझा कि नहीं, हम बोले ठीक है, हमको ओवरऑल सेलिंग प्राइस निकाल देंगे तो हमारा पता क्या चल जाएगा, बोलो, बोला सर प्रॉफिट कितना होगा, हम बोले रुको हमको निकालना है सेलिंग प्राइस, कैसे निकलेगा रुक जाओ, पहले डिस्काउंट कितना 12%, है ना, पहले 12% डिस्काउंट तो निकाल लो ना, 156 का 12% तुम लोग निकाल सकते हो कि नहीं, हम बोले निकाल लेंगे, देखते रहना बस, और उस पर एक और डिस्काउंट निकाल दूंगा, सीधा सा सामान को बेच दूंगा, आंसर आ जाएगा। हम बोले क्या 12×72 का 2, देखो यहाँ पे देखो 12×72 का 2 कैरी कितना हो गया 7, 12×5 60 और 7 67 का 7 कैरी 6, 12×6 कितना हो जाएगा 18, मतलब सर 18.7 यहाँ पर क्या होगा 2, बोलिए क्या होगा डिस्काउंट, हम इतना डिस्काउंट दे दो, तो पहले यहाँ पे कितना घटा देंगे सर, घटाने तरीका देखना, यहाँ पे पहले 19 घटा दो, हम बोले पहले सर 20 घटा दो, तो 36 + 1 = 37, 37.28, मतलब अभी जो सामान बिकेगा कितना हो जाएगा 137.28, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते ना, कैलकुलेशन कहीं एरर ना हो नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। तो 15 में से अच्छा 7 गया 8 100, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लिया जाए, नहीं तो फिर बाद में सवाल गलत ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा सर। 18.72 आ जाएगा, हम बोले चाहिए तो जाएगा 28, ये 15 में से 8 गया 7 बचा, ठीक तो है, ठीक है, ठीक सही है, 130 आएगा, डन ये हो गया। अब यहाँ पर एक और डिस्काउंट देना है, देखो अभी एक और डिस्काउंट देना है, अब ये बोला देखो सर इसके बाद यहाँ पे एक और अल्सो क्या दिया, फ्री दिया, क्या एक दर्जन पर एक जो है फ्री दे दिया है, एक दर्जन पर एक फ्री देने का मतलब यहाँ पे डिस्काउंट पता तुमको क्या होगा, एक दर्जन दिया एक फ्री दिया मतलब टोटल वो कितना मार्क किया होगा 13, और 13 में तुमको एक फ्री मतलब 12 दिया, तो इस पर हम डायरेक्ट तुमको डिस्काउंट माइनस करके सेलिंग प्राइस निकाल दूं, पता चल जाएगा ये तुम्हारा पहला सामान बेचा, हम बोले हाँ, इस पर एक और डिस्काउंट तुमको अभी दे रहे हैं और फाइनली सेल कर रहा हूँ, 13 में से एक सामान छोड़ दिया, बेचा कितना 12, तो मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकल जाएगा इसको 12/13 से हम लोग क्या कर देंगे, बोलो अगर हम सीधा सीधा इंटू कर देंगे, देखो ना यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस अगर ये 12 है बेटा, यहाँ पे डिस्काउंट अगर ये एक दे रहा है तो कॉमन सेंस की बात है मार्क प्राइस कितना रहा होगा 13, 13 में से एक छोड़ दिए मतलब 12 बेचे होंगे, तो सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकाल दो, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, हम बोले देखें करते हैं, 13 से कुछ कट रहा है क्या, 13 × 13 = 10, ठीक है, 13×5 = 65, ठीक है, हाँ हो जाएगा, और 65 हो जाएगा फिर 7, 13×6 = 78, ठीक, और क्या होगा पॉइंट, मतलब ये 10 पॉइंट यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, 105 सुनो 105 पॉइंट इतना आ रहा है, हम बोले ठीक है डायरेक्ट निकाल दिया, और 13 से पहले 12 से गुना कर लो इसको, तो 12 से गुना कर लेंगे, आप देखो 12×5 क्या 12×72 = 2, 12×6 अब देखो 13 से भाग देखे 12 से गुना कर दो, सीधा
बच्चा 72 का तो कैरी 7, 12 पंजे 60 है ना, 67 हो जाएगा, ठीक है सर। और ये 12 कम 12 तो ये हो जाएगा टोटल 126.72। मतलब देख लो 100 का सामान फाइनली तुम कितना बेच रहे हो, 126.72 में, मतलब तुमको जो प्रॉफिट मिला होगा कहाँ पे, 26 पॉइंट, कहाँ पे सर, 26.72। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। मतलब पहले डिस्काउंट दी फिर दूसरा डिस्काउंट देकर के सवाल कर दिया, मतलब दो डिस्काउंट, कैलकुलेशन इतना टफ दिया था ना, बस वहाँ पे बच्चे को समय लग रहा था, ठीक है भाई। और यहाँ पे कहीं कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए है। तो गाइस इस तरह से आप ओवरऑल एक आपका सेशन था, जो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं गया होगा। हाँ मैं बोलूँगा बहुत डिफिकल्ट, मतलब उन बच्चे डिफिकल्टी उन बच्चे पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस कम किया है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया, बोलेगा नहीं सर सवाल आसान था, बन रहा था, है ना। तो कहीं भी मैंने कोई लेंदी सोल्यूशन से आपको नहीं गुजारा, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर देना, एक लंबा वीडियो रहा होगा लेकिन बहुत सावधानी से, दो दो तरीके भी संभव था, दोनों तरीके मैं बताया हूँ, ठीक है गाइस। फिर मिलते हैं अगले यूट्यूब पर अगले पार्ट के लिए, कभी फिर इसका नहीं कोई अगले वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Thank you.